मैं जो पूरा स्ट्रैटेजी बताऊंगा, जितनी भी चीजें कवर करूंगा, वो 1,00,000 के कैपिटल से भी आप कर सकते। 10,000 करोड़ को मल्टीप्लाइड बाई सम यूनिट्स तो कर ही सकते। इतना फंड तो मैंने मैनेज किया है अपने पीक करियर। पेड प्रोग्राम्स के अंदर भी ये चीजें कोई डिस्कस नहीं करता, क्योंकि ये चीजें एक्सपीरियंस के साथ आती है। स्ट्रैटेजी पे आएंगे ना तो अभी ये बताएंगे कि आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस में ट्रेड करना है, वो भी नेक्ड बाइंग करनी है। अगर आपको मैक्रो व्यू बनाना है, आप एक इंस्ट्रूमेंट को अपने लाइफ से कभी नहीं निकाल सकते। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मुझे पहले पता है मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, मेरे को व्यू नहीं। सो आज से हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं, जिसके अंदर हम स्टेप बाय स्टेप बढ़ने वाले हैं कि आप लोगों को शेयर मार्केट में शुरुआत कैसे करनी चाहिए, आपकी स्टार्टिंग स्टेप्स क्या होने चाहिए। और ये बात यहाँ पर आप समझ लीजिए कि जो मेरे साथ बैठे हैं यहाँ पर, वन एंड ओनली मिस्टर शुभम अग्रवाल, इन्हें मार्केट में 21 सालों का एक्सपीरियंस है। लोग फंडामेंटल एनालिसिस सीखते हैं, लोग टेक्निकल एनालिसिस सीखते हैं, लोग जो नहीं भी सीखते वो भी मैं बता देता हूँ कि इन्होंने फाइनेंशियल इंजीनियरिंग सीखी हुई है। और इन तीनों के अंदर इनकी ऐसी क्वालिफिकेशंस हैं जिसके बारे में हो सकता है आप लोगों को पता भी ना हो। इनफैक्ट ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं सर से डिस्कस करता हूँ, और मुझे ऐसा लगता है यार कि ऐसी नॉलेज जो मुझे शुभम जी से मिलती है मार्केट में, शायद ही मेरे सर्कल में कोई और इस लेवल के एक्सपर्टीज़ रखता होगा। तो अगर कोई आदमी इतनी ज़्यादा एक्सपर्टीज़ रखता है, और इनफैक्ट अभी इन्होंने टीवी पर भी आना छोड़ दिया, एक तरीके से इन्होंने संन्यास ले लिया, पैसे वैसे हमने कमा लिए हैं। और पीछे कौन सा आपका लोगो देख रहे हैं, तो सर कौन सा आप कंपनी के फाउंडर भी हैं, तो सर ऑलरेडी एक कंपनी भी रन कर रहे हैं। तो पॉइंट यहाँ पर यह है कि आज जिस पर्सन के साथ हम बैठे हुए हैं, उनके पास इतनी नॉलेज है कि अगर आपने उनकी 10% नॉलेज भी यूज़ कर ली, तो आप अपनी फील्ड में बहुत अच्छा कर सकते हो। तो अब हम इस सीरीज़ के अंदर स्टेप बाय स्टेप आगे ज़रूर बढ़ेंगे, बट जैसे मैंने बोला कि हम बेसिक से शुरू करने वाले हैं, बट बेसिक टू इंटरमीडिएट एंड इंटरमीडिएट टू एडवांस बहुत सारे कॉन्सेप्ट इस सीरीज़ में होने वाले हैं। ये सीरीज़ थोड़ी सी अलग इसलिए रहेगी क्योंकि इसके अंदर ना मैं क्वेश्चन आंसर बेस्ड सीरीज़ रखने वाला हूँ। तो हर एक टॉपिक जिसके ऊपर डिस्कशन होगा उसमें बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, मैं एज एन ऑडियंस बन के सर से वो सवाल पूछने वाला हूँ, और आपको ऐसी क्लैरिटी मिलने वाली है जैसा आपने पहले तक अभी तक मार्केट को देखा ही नहीं होगा, समझा ही नहीं होगा। सो शुभम सर, शुरुआत यहीं से करते हैं। तो सबसे पहले तो एक बार आप अपनी क्वालिफिकेशंस के बारे में लोगों को बता दीजिए, बिकॉज मुझे जहां तक पता है कि इंडिया के जो पायनियर कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस तरीके की क्वालिफिकेशंस हासिल करी, उनमें से आप थे, तो एक बार वहां से शुरू करते हैं। सो थैंक यू पुष्कर जी मुझे इस शो पे बुलाने के लिए। और क्वालिफिकेशन में पहला क्वालिफिकेशन है कि इंटरेस्ट होना चाहिए मुझे, जो मेरा बहुत हाई था जब मैं लगभग 2001-2002 के आसपास मैंने शुरुआत की थी। उसके बाद जो मेरा इनिशियल इंटरेस्ट था वो था टेक्निकल एनालिसिस, क्योंकि उस टाइम पे टेक्निकल एनालिसिस के बहुत ज़्यादा कंटेंट हमको नहीं मिलते थे, बट बुक्स थे थोड़े, और वहाँ से ग्रेजुअली जब देख के शुरू किया तब काफ़ी इंटरेस्ट आया। तो पहले तो मैंने बहुत बाद में मैंने पढ़ाई किया, पहले तो मेरा ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस था काफ़ी लंबे समय तक, और उसके बाद मैंने किया CMT, जो कि टेक्निकल एनालिसिस में अगर आप देखोगे तो वही एक चार्टर्ड डिग्री है जो वैल्यूएबल है। फिर उसके बाद मैंने फंडामेंटल्स में काफ़ी काम किया था, फंडामेंटल एनालिसिस में, तो मैंने CFA किया जो USA होता है, और उसके बाद मैंने किया फाइनेंशियल इंजीनियरिंग, बिकॉज इवेंचुअली मैंने देखा कि क्वांट में और कोडिंग में मेरा काफ़ी इंटरेस्ट जागना शुरू हुआ था लगभग 2008-2009 के आसपास, तो उसके बाद मैंने क्वांट ट्रेडिंग शुरू किया था, तो इसलिए फाइनेंशियल इंजीनियरिंग करना बहुत ज़रूरी था। तो ये जब मैंने तीन पढ़ाई किया तब आई थिंक अराउंड दैट टाइम 2010 के आसपास का मैं शायद बात कर रहा हूँ, उस टाइम पे शायद मैं इंडिया में, मैं एटलीस्ट सब लोग से कनेक्टेड रहते हैं तो मैं किसी को जानता नहीं था जो कि तीनों स्ट्रीम में किसी ने क्वालिफिकेशन लिया हो। तो आउट ऑफ इंटरेस्ट हुआ, कोई ऐसा स्पेशल कुछ नहीं चाहिए, बट अगर आउट ऑफ इंटरेस्ट अगर आपको किसी चीज़ में मन लगता है तो आप कर सकते हो। तो ये तो ऐसा बोल सकते हैं कि उस टाइम पे आप इंडिया के मोस्ट क्वालिफाइड ट्रेडर थे। हाँ, मतलब अभी भी बहुत लिमिटेड लोग हैं, बट उस टाइम पे शायद और कोई नहीं था जो कि तीनों स्ट्रीम में किसी ने मतलब प्रॉपरली एक एजुकेशन और प्रॉपरली प्रैक्टिकल डिप्लॉयमेंट किया हो, उस समय तक तो हमारे नॉलेज में नहीं था। तो अभी तक एक रफ आइडिया बोलें तो आपने अभी तक अपने करियर में कितना फंड मैनेज किया सर लोगों के लिए? सो मैं एग्जैक्ट नंबर शायद कोट नहीं कर पाऊँ, लेकिन फिर भी 10,000 करोड़ को मल्टीप्लाइड बाई सम यूनिट्स तो कर ही सकते हैं। इतना फंड तो मैंने मैनेज किया है अपने पीक करियर में। तो ये मैं आपको इसलिए बोल मतलब ये सर से मैंने इसलिए सवाल पूछा कि आप इंटरनेट पे जिन भी लोगों को सुनते होंगे, आपके आसपास जो भी लोग कनेक्टेड होंगे, तो जब इन्होंने बोला 10,000 मल्टीप्लाइड बाय सम नंबर तो एक्स आप सोच लीजिएगा, बट 10,000 करोड़ को भी पकड़ लो तो आपके आसपास ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने 10,000 करोड़ भी मैनेज किया होगा। तो कहने का मतलब है कि दिस इज़ रियली अ बिग नंबर, मतलब अपनी कैलकुलेशन के बाहर है मेरी कैलकुलेशन के तो बाहर है, ये कैलकुलेशन में नहीं आता, बट
इस लेवल की एक्सपर्टीज होना कि आप इतना बड़ा फंड मैनेज कर पाओ लोगों के लिए, ये एक बहुत कमाल की चीज़ होती है। तो अब आपका 21 साल का एक्सपीरियंस और वो हजारों करोड़ों का फंड जो आपने मैनेज किया और आपकी क्वालिफिकेशंस के बाद, आज आप ये मान लीजिए, सर देखिए मेरे पास तो हमारे चैनल पे ज़्यादातर बिगनर्स होते हैं, बिगनर टू इंटरमीडिएट लोग होते हैं, तो अगर आज आप बिगनर होते और आज आपको दोबारा से शुरुआत करनी होती, और मैं कहता हूँ आप बहुत हज़ारों करोड़ हटा दो, आपके पास 1 करोड़ रुपया होता मान लेते हैं। अब 1 करोड़ रुपये ज़्यादातर बिगनर के पास नहीं है, बट आपके लिए मैं वो इनिशियल एक रख रहा हूँ इन्वेस्टमेंट का अमाउंट, ठीक है, कि मतलब आप कुछ सिग्निफिकेंट भी कर पाओ, तो आप कैसे शुरुआत करते, आप शेयर मार्केट में क्या करते, उसके ऊपर हम आगे डिस्कशन करेंगे। तो आप क्या करते? तो पुष्कर जी, बाजार जो है बहुत डायनेमिक है। मैं थोड़ा सा क्या करता से पहले थोड़ा बैकग्राउंड दे रहा हूँ कि लोगों का एक्सपेक्टेशन राइट सेट होना बहुत ज़रूरी है। तो मेरे पूरे लाइफ में मैंने ये देखा है कि कोई भी स्ट्रैटेजी, अच्छा से अच्छा स्ट्रैटेजी अगर आप फॉलो कर रहे हो, उसका एक लाइफ साइकिल है। 3 साल 4 साल के बाद वो पूरा स्ट्रैटेजी रोटेट हो जाता है, और उसके बाद आप देखोगे बाजार का डायनेमिक पूरा चेंज हो गया, वो स्ट्रैटेजी फीजिबल नहीं, और अब आपको कुछ नया सीखना पड़ेगा। इसीलिए रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सीखना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जो भी लोग बाजार में रहना चाहते हैं, चाहे कितना भी साल हो गया हो, उनको कंटिन्यूसली इवॉल्व होना पड़ेगा। तो मैं अगर आज 2002 का स्ट्रैटेजी की बात करूं तो वो फीजिबल नहीं होगा। तो मैं अगर 2002 में क्या करते थे, 2002 में अगर आप देखोगे टेक्निकल एनालिसिस इतना सुपर्ब वर्क करता था, जो आज हम वो शैम्पू हेड एंड शोल्डर के बारे में सुनते हैं, या ट्राइंगल्स, राइट, बहुत सारे इस तरह के जो पैटर्न, मूविंग एवरेज, क्रॉसओवर्स, ये सब उस समय में इसलिए चलता था बिकॉज अगर आप थ्योरेटिकली भी सोचोगे तो बाजार उतना मैच्योर नहीं था। तो जो इसका एक टर्म है, मैं थोड़ा सा कन्फ्यूज़ नहीं करना चाहता हूँ, समझाऊंगा मैं इस चीज़ को, बट इसको बोलते हैं हम लोग ऑटो कोरिलेशन। तो ऑटो कोरिलेशन टर्म थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, बट इसका मतलब क्या होता है, नेक्स्ट डेटा पॉइंट प्रीवियस डेटा पॉइंट से कितना कोरिलेटेड है। ठीक है, अगर वो कोरिलेटेड है तो ट्रेंड बनता है। तो नेक्स्ट टाइम आप बोल सकते हो अगर 2 दिन बाजार ऊपर गया तो 3रा दिन भी बाजार ऊपर जाएगा, 4था दिन भी बाजार ऊपर जाएगा, कब प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, राइट। तो बाजार मैच्योर नहीं था, इसलिए इस तरह के कोरिलेशन हमको देखने के लिए डेटा में मिलते थे। लेकिन आज के दिन में जब आप देख रहे हो डेरिवेटिव एक्सचेंज वर्ल्ड का टॉप में एग्जिस्ट करता है, तो अब आप उसके अंदर एनोमलीज नहीं खोज सकते हो। मतलब कोई मिसप्राइसिंग या एनोमली या इतना स्ट्रांग ट्रेंड एग्जिस्ट कर रहा है, ये खोजना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए आज का बाजार तब से बहुत डिफरेंट है। इसलिए तब टेक्निकल एनालिसिस चलता था बिकॉज उसमें जो एक टेनेट जो बोलते हैं कि ट्रेंड एग्जिस्ट करना चाहिए, राइट, तब आपका टेक्निकल एनालिसिस का थ्योरीज वर्क करेगा। तो उस समय एग्जिस्ट करता था, लगभग 2006-07 तक मैंने देखा कि टेक्निकल एनालिसिस से बहुत अच्छा पैसा आ रहा था, लेकिन धीरे धीरे करके स्ट्राइक रेट गिरना चालू हो गया। तो इसलिए तब शायद मैं टेक्निकल एनालिसिस के बारे में बात कर रहा होता, बट अगर मुझे आज बात करना है तो मुझे लगता है कि कॉम्बिनेशन टेक्निकल्स में भी कुछ कुछ चीज़ें अच्छी है, बट डेरिवेटिव डेटा, अगर मैं तो ज़्यादातर कस्टम इंडिकेटर्स ही बनाता हूँ, जैसे जो थ्योरीज है, जैसे अगर आप कोई चीज़ का स्मूदनिंग, जैसे मूविंग एवरेज क्या है, एक स्मूदनिंग है। तो आज भी अगर आप देखोगे, अगर आप कोई क्वांट मॉडल बना रहे हो तो उसमें आप कोई रैंडम मॉडल तो नहीं लेते हो, आप उसको स्मूदन करते हो। जैसे वोलेटिलिटी अगर मैं ट्रेड करना चाहता हूँ, आज आपने बताया वोलेटिलिटी 8% ऊपर है, तो अगर मैं डेली डेटा को बात कर रहे हैं तो आज के लिए स्पेसिफिकली मैंने बताया कि आज इंडिया 8% ऊपर है, तो ठीक है, तो ये डेटा बहुत रैंडम होने वाला है, राइट, तो हम उसको स्मूथ करेंगे। तो डेटा स्मूथिंग काइंड ऑफ मूविंग एवरेज है। तो इस तरह से मैथ्स को पुराने जो टेक्निकल एनालिसिस की जो चीजें थी उससे कंबाइन, वो भी तो मैथ्स ही था, उसको कंबाइन करके आज भी हम लोग यूज करते हैं। लेकिन अगर मुझे आज कोई टेक्निकल अगर पैटर्न यूज करना है तो मैं शायद थोड़ा बहुत कैंडलस्टिक पैटर्न पे अभी भी रिलाई करूंगा, कंपेयर टू जितने भी बाकी जो थ्योरीज है, उससे ज्यादा मुझे लगता है कि कैंडलस्टिक, और हो सकता है थोड़ा बहुत वेव्स का जो स्ट्रक्चर है लॉन्ग टर्म के लिए, रोज का इंट्राडे ट्रेडिंग की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, बट थोड़ा लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए मुझे लगता है। कैंडलस्टिक्स भी लॉन्गर ड्यूरेशन और इंट्राडे, कैंडलस्टिक डेली पे, मतलब डेली चार्ट पे अगर मुझे, डेली टाइम फ्रेम पे अगर मुझे करना, पोजिशनल ट्रेड्स लोगे, पोजिशनल ट्रेड लेंगे, पोजिशनल ट्रेड्स, राइट, ठीक है। तो यहीं से सेकंड सवाल आता है कि आपने अभी यहाँ पर सर ने क्या बोला कि भाई सर 2002 से मार्केट में काम कर रहे हैं और 2002 में ही वॉज मतलब वेरी मच इंक्लाइन टूवर्ड्स टेक्निकल एनालिसिस, तो टेक्निकल्स में तब आपने देखा कि पैसा बनता है, और आज आपने देखा कि उसका स्ट्राइक रेट गिर रहा है, बट अगर अभी भी अगर इन्हें टेक्निकल्स में कुछ देखना हो तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली रिलाई करेंगे डेली टाइम फ्रेम पर कैंडलस्टिक पैटर्न्स के ऊपर, और दूसरा आपने क्या बोला कि कुछ कस्टम मेड इंडिकेटर्स के ऊपर। हाँ, मतलब जैसे मूविंग एवरेज का जो थ्योरी है वो मैं प्राइस पे नहीं डिप्लॉय करके, हो सकता है वो वोलेटिलिटी को स्मूदन करने के लिए यूज़ कर रहा हूँ,
फिर उसमें मैं कोई स्टैटिस्टिकल ट्रेड बना रहा हूँ, okay. तो वो सारे कंसेप्ट यूज करेंगे बट रॉ फॉर्म में नहीं यूज करेंगे. ओके, तो यहाँ पर आप कह रहे हो जो यहाँ पे इस तरीके से समझते हैं कि जो कॉमन इंडिकेटर्स लोग यूज कर रहे हैं उसे कॉमनली आप यूज नहीं करने वाले. ओके, अब आ जाते हैं पॉइंट नंबर टू पे कि आप एग्जैक्टली करते क्या. ये क्या हो रहा है, थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाता है लोगों के लिए, बट आज एक्सपीरियंस होने के बाद हम उसी क्वेश्चन पे आते हैं कि चलिए मान लेते हैं 1 करोड़ रुपए का हमारे पास कैपिटल भी है बट आपको स्टार्टिंग करनी है, आपने पूरा बाजार समझ रखा है, आप क्या करते हैं. सो पहले तो कैपिटल मुझे लगता है ज़्यादा मैटर नहीं करेगा, बिकॉज अगर आप लेट्स से बाइंग या सेलिंग या कुछ भी करना चाहते हो तो 2-3 लाख रुपए भी आपके पास है तो आप कर सकते हो. अब आप 1 करोड़ है तो आप ज़्यादा मल्टीपल पे कर. मैंने फिर भी एक हमारे पास एक एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है. राइट, तो अगर आप जो भी कैपिटल लेकर के चल रहे हो, अगर 1 करोड़ भी हम लेकर के चलते हैं, तो मेरा जो फेवरेट स्ट्रैटेजी रहा है वो रहा है टॉप डाउन अप्रोच. ओके, सो टॉप डाउन अप्रोच में मैं क्या करता था, पहले मैं देखता हूँ कि इंडिया एज अ मार्केट ग्लोबल मार्केट के कंपैरिजन में कहाँ प्लेस्ड है. ओके, ताकि आपको ये समझ में आए कि जो जो ट्रेंड है निफ्टी के अंदर या जो भी आप इंडेक्स ट्रैक कर रहे हो वो ट्रेंड कितना सस्टेन करने वाला है. जब तक आपका, जब आप ड्राइव करते हो आप नीचे देख के नहीं ड्राइव करते हो, आप सीधा देख के ड्राइव करते हो. राइट, तो थोड़ा सा दूर आपको देखना बहुत ज़रूरी है कि आप अल्टीमेटली कहाँ जा रहे हैं. ठीक है, उसके बाद आप देखोगे कि उसके बाद क्या हो रहा है, बीच में क्या हो रहा है. राइट, तो टॉप डाउन अप्रोच में सबसे पहले तो इकॉनमी आ गई हमारी. राइट, और हमारी इकॉनमी बाकी इकॉनमीज के हिसाब से कैसा काम कर रही है, कैसा आउट परफॉर्म कर रही है, नहीं कर रही है, सिंपल बात. रिलेटिव परफॉर्मेंस तो रिलेटिव परफॉर्मेंस तो सर सब में चलता है, स्टॉक्स में भी चलता है, हर चीज में चलता है. तो अगर रिलेटिवली हमारा मार्केट, अगर बाकी मार्केट, हो सकता है हमारा मार्केट गिर रहा है, पूरा ग्लोब गिर रहा है, हमारा मार्केट कम गिर रहा है जो कि कोविड का सिचुएशन था, तो आर मार्केट विल डू वेल. तो इसी तरह से क्या होता है, रिलेटिव परफॉर्मेंस मैटर करता है, लेकिन इंटर मार्केट भी देखना पड़ेगा. जैसे अगर आप देखो कि कमोडिटी में क्या हो रहा है, और बहुत इंपॉर्टेंट, अगर ग्लोबल व्यू, अगर आपको मैक्रो व्यू बनाना है ना, आप एक इंस्ट्रूमेंट को अपने लाइफ से कभी नहीं निकाल सकते हो, चाहे आप फंडामेंटल एनालिस्ट को पूछो या क्वांट एनालिस्ट को पूछो, उसको बोलते हैं इंटरेस्ट रेट का डायरेक्शन डिसाइड करेगा इन अ लॉन्ग रन कि क्या चीज़ कहाँ जाना है. बट इंटरेस्ट रेट्स के बारे में तो लोग सर बिल्कुल इग्नोर मारते हैं. एग्जैक्टली, जब हम ऑप्शन ग्रीक्स की बात करते हैं तो लोग क्या सीखते हैं, डेल्टा, गामा, थीटा, वेगा, खत्म. राइट, रो पे नहीं जाते है ना. मतलब इनफैक्ट मैं किसी और की बात नहीं करूँगा, मैंने अपने चैनल पर भी ऑप्शन ग्रीक्स के ऊपर वीडियो बनाई, पर रो के बारे में मैंने बताया ही नहीं. मतलब बोल दिया कि ठीक है आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट्स के बारे में पढ़ना है, पर उसे बिल्कुल इग्नोर कर दिया. रीज़न बिकॉज मुझे भी पता है कि ऑडियंस का इंटरेस्ट उस तरफ नहीं होता, बट इसके ऊपर आप थोड़ा सा और लोगों को बताइए कि इसको जानना क्यों ज़रूरी है. सो अगर आपके बैंक अकाउंट में 5 दिन के लिए कोई पैसा पड़ा है तो आप उस पर सोचोगे कि आपको इंटरेस्ट मिलना चाहिए. ठीक है, वो तो लिक्विड फंड टाइप अगर मुझे कुछ मिल जाए तो अच्छी बात, बट 5 दिन के लिए पड़ा है, नोबडी विल केयर. तो इसी तरह से जब आप वीकली ऑप्शन ट्रेड कर रहे हो तो आपको इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता. लेकिन जब हम 90% ऑडियंस वीकली ऑप्शन ट्रेड करती है. राइट, तो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ हमको इंटरेस्ट रेट को रोज के ट्रेडिंग के लिए नहीं यूज करना है, लेकिन हम इग्नोर भी नहीं कर सकते हैं उसको. हमें ओवरऑल बाजार का व्यू फॉर्म करने के लिए यूज करना है कि अगर मार्केट ओवरऑल डायरेक्शन, अगर मुझे लगता है 6 महीना, जैसे अभी हम जानते हैं बाजार रैली में, अगर आज मैं ये व्यू फॉर्म कर लूँ कि 6 महीने तक बाजार यहाँ से, हो सकता है बीच में ट्रेंड चेंज हो बट एक्सपेक्टेशन पॉजिटिव है, उसके बाद फिर हम लोग क्या देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि कौन सा सेक्टर अभी मूवमेंट में है. सेक्टरल साइकिल्स चलते हैं और मेरा एक्सपीरियंस, एक बार उसे दिखाइए ना सेक्टरल साइकिल्स आप कैसे देखते हैं. सो सेक्टरल साइकिल को मैं थोड़ा सा ड्रॉ करके बताता हूँ बिकॉज आई थिंक वो ज्यादा बेटर समझ में आएगा. सो सेक्टर्स में क्या होता है, सेक्टर्स में जनरली मेरा जो एक्सपीरियंस आज तक का रहा है वो रहा है 3 से 4 महीने का एक साइकिल इमर्ज होता है. तो मैं थोड़ी देर में एक स्ट्रैटेजी की बात करूंगा स्टॉक्स में, मैं उसी चीज़ को अभी यहाँ पे आपको ड्रॉ करके बताता हूँ कि हम लोग उसको सेक्टर्स में कैसे यूज़ करते हैं. तो लोग बड़े खुश होंगे कि स्ट्रैटेजी मिलने वाला है और हम जाएंगे, मतलब बिल्कुल इसी तरीके से हम जाएंगे. आप, मैं यहाँ पर एक चीज़ आपको बोलूँगा, आप प्लीज़ ना नोट्स बनाइएगा, बिकॉज ऑनेस्टली स्पीकिंग शुभम सर का ना मेरे से बात हो रही थी तो इन्होंने बोला यार मेरे को ना मीडिया में आने का कोई इंटरेस्ट नहीं अभी तो फिलहाल मैंने ब्रेक लिया है. अभी तो ये मेरे को यही बोल रहे थे ना, मेरे को टीवी पे आने का इंटरेस्ट, ना मुझे सोशल मीडिया पे आने का इंटरेस्ट. आपने मतलब अपना सोशल मीडिया ट्विटर अकाउंट भी बड़ा लेट शुरू किया था. कभी यूज नहीं करता हूँ मैं कोई सोशल मीडिया, ना मैं देखता हूँ और ना मैं कभी कुछ पोस्ट करता हूँ. तो मैं, मुझे मतलब हर, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ गलत है सही है, बहुत सारे लोग वहाँ से बहुत कुछ सीखते हैं और यहाँ पे हम वीडियो बना रहे हैं, हम लोगों को सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, बट मेरा जो पर्सनल इंटरेस्ट है वो है इनोवेशन, रिसर्च, वो मुझे अच्छा फील कराता है. राइट, तो मैं पूरा टाइम स्पेंड करता हूँ
और नई चीज़ें खोजने में जो कि मैं हेल्प कर सकूँ लोगों को, मे बी वाया प्रोडक्ट या मे बी और किसी तरह से। एक कमाल की बात क्या है मैं आपको बताता हूँ, सर कनाडा रहते हैं और कोविड के बाद 2.5 साल तक ये इंडिया आए ही नहीं थे, अभी ये मतलब बहुत लिमिटेड टाइम के लिए इंडिया आए हैं, और उसमें भी हमने सर से थोड़ा सा टाइम लिया कि हमारी ऑडियंस को वो वैल्यू मिलनी चाहिए जो वो डिज़र्व करते हैं, और इसीलिए शायद यहाँ पे थोड़ा सा टाइम निकाला सर ने। अदरवाइज आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ, आपको अगर शुभम सर से पर्सनली मिलना हो, कल हम किसी चीज़ पर बात कर रहे थे तो उस पर बेसिकली मैंने बोला कि किसी को सीखना होगा तो शुभम सर आपसे पर्सनली आके सीख लेगा, तो उन्होंने बोला मैं पर्सनली सिखाऊंगा ही बिकॉज उतना वो टाइम इन्वेस्टमेंट, मतलब एक तो इंटरेस्ट नहीं है मुझे कि पर्सनली मैं जाकर के किसी को सिखाऊं या उस तरह का ट्रेनिंग दूं, ऐसा नहीं है कि मैं करना नहीं चाहूंगा, शायद हो सकता है जब रिटायरमेंट मोड होगा तो शायद कर लूं, बट अभी तो मेरा इंटरेस्ट जो है वो है रोज कोड करना, नया सिस्टम्स बनाना, वो मुझे अच्छा लगता है और मैं वो इग्नोर नहीं कर सकता। मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ, अब इस ये आज हमारे को जितना टाइम मिल रहा है विल ट्राई टू रिकॉर्ड मैक्सिमम फॉर यू, बट एक दो दिन के ये जो हमारे प्रयास थे ना, आपको जो नॉलेज मिलने वाली है ना सालों के लिए काम आने वाली है सर, प्लीज़ कंटिन्यू। श्योर, तो ये जो पहले मैं थोड़ा सा रिलेटिव परफॉर्मेंस का बैकग्राउंड देता हूँ कि होता क्या था, कि राइट एक्सपेक्टेशन सेट होना बहुत जरूरी है। रिलेटिव का मतलब ये होता है कि लेट्स से अगर मैं बोलूँ कि निफ्टी यहाँ से 10% बढ़ गया, अब मेरा स्टॉक 12% बढ़ा तो रिलेटिवली उसने 2% आउट परफॉर्म किया, अल्फा जनरेट किया। अगर वो 8% बढ़ा तो अभी भी बढ़ा लेकिन उसने अंडर परफॉर्म किया बाई 2%, राइट? तो आप सोचो जितने, मतलब एकदम कॉमन सेंस है, सर ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, जितने बड़े पैसे लगे हुए हैं FIIs के पास है, म्यूचुअल फंड के पास है, उनका गोल क्या है? उनका गोल है कि मार्केट को वो बहुत अच्छे एक्सटेंट तक पैसिवली रेप्लीकेट करते हैं, जो निफ्टी का कॉम्पोनेंट है या जो भी वो बेंचमार्क ट्रैक कर रहे हैं उसको पैसिवली रेप्लीकेट करेंगे और थोड़ा सा कॉल लेंगे, मतलब 20-30% या 40% पोर्टफोलियो का, हर फंड अलग अलग करेगा, वो एक्टिव अल्फा जनरेशन के ऊपर जाकर के इन्वेस्ट करेगा, राइट? उसका थ्योरी क्या होगा? अब उसको ये नहीं देखना है कि बाजार ऊपर जा रहा है कि बाजार नीचे जा रहा है, उसको ये देखना है कि बाजार से बेटर क्या परफॉर्म करेगा जी, राइट? तो इसमें जो सेकंड स्टेप है टॉप डाउन अप्रोच का, वो है सेक्टर्स। और आप देखो, कभी भी आप देखोगे तो एक बैंक ऊपर नहीं जा रहा है, जब जा रहा है तो सारे बैंक ऊपर जा रहे हैं, जब गिर रहे हैं तो सारे बैंक नीचे गिर रहे हैं, मेटल जब चल रहा है सब कुछ चल रहा है, तो ये झुंड में चलते हैं। तो वो आपको पहले खोजना जरूरी है कि कौन सा चलने वाला है। तो सेक्टर का जो मूवमेंट है वो इस तरह से कुछ आपको देखने को मिलेगा कि कोई एक सेक्टर, अगर लेट्स से सेक्टर ए बोलता हूँ मैं अभी, अगर चालू होता है परफॉर्म करना तो उसका जो मोमेंटम है या उसका वेलोसिटी है वो पहले आपको शूटअप करता हुआ दिखेगा। सो हम हरदम हर चीज़ को प्राइस कंपैरिजन में देखते हैं कि 10% ये चला, 12% ये चला, बट इसका 2-3 और फैक्टर्स भी है। एक है कि सेक्टर का मोमेंटम बढ़ना शुरू हो चुका है, तब अर्ली स्टेज में आप उसको जाकर के आइडेंटिफाई कर पाओगे, बिकॉज जब तक प्राइस 5-7% आउट परफॉर्म करेगा तब तक तो गेम खत्म हो गया, तो आप पहले ट्रेड, राइट? तो आप पहले कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? पहले आइडेंटिफाई करने का तरीका है वेलोसिटी। तो मैं एक और एग्जांपल जो थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे वो थोड़ा डीप हो जाएगा लोगों के लिए, बट आप दे दो और मैं आपको जनरली बताऊंगा। अब मैं बताता हूँ कॉन्टेक्स्ट कहाँ से है वेलोसिटी का। तो लोग एक्सपायरी पे ट्रेड करते हैं, तो एक्सपायरी पे दो चीज़ें होती हैं, एक तो सेलर जो होता है वो पैसा कमाता है क्योंकि थीटा बहुत तेज़ी से मेल्ट हो रहा होता है, और थीटा मेल्ट हो रहा होता है तो थीटा की वजह से सेलर फायदे में रहता है, बट उस दिन बायर भी पैसा कमा सकता है अगर सेलर ट्रैप हो गया। अब सेलर कब ट्रैप होगा जब गामा ब्लास्ट होगा। अब गामा उस दिन जो है सेलर के अगेंस्ट में और बायर के फेवर में है, बट आप कैसे ट्रैक करोगे कि यहाँ से एक बड़ा मोमेंटम आने वाला है? तो आप बड़े ध्यान से सुनना क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर है। तो मैं एकदम सिंपल फॉर्म में समझाता हूँ। सब लोग गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी में 2 मीटर सबके गाड़ी में, एक है स्पीडोमीटर, दूसरा है आरपीएम, ठीक है? तो अगर आपको ये जानना है कि ये गाड़ी 80 पे चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तो जब वो 80 पे जाएगा तभी पता चलेगा। लेकिन अगर गाड़ी 60 पे है और ये 80 पे जाने वाला है कि नहीं, तो हम रोज बाजार में क्या करते हैं, कहाँ है वो तो पता है, यहाँ जाने वाला है कि नहीं तो हमको कैसे पता चलेगा कि ऊपर जाने वाला है कि नीचे जाने वाला है, ये गाड़ी फास्ट जाएगा कि स्लो जाएगा, ये देख के कि आरपीएम। अभी हम डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम स्पीड की बात कर रहे हैं। हम डायरेक्शन को अलग रखते हैं क्योंकि डायरेक्शन के ऊपर मैं डिटेल में बात करूंगा। हम, मैं तो एकदम कार ड्राइविंग की बात कर रहा हूं, मैं कारमैन कार की बात समझ रहा हूं, बट क्या है कि अभी हम मार्केट में, क्योंकि हम डायरेक्शन में बोल के कंफ्यूज कर देंगे, अभी हम सिंपल गामा ब्लास्ट पे रहते हैं, राइट? उसी पे है।
तो अगर आपको ये जानना है कि ये गाड़ी और तेज होने वाला है कि स्लो होने वाला है, आप कैसे पता करेंगे? अब वो जब रेस देगा तो आरपीएम पहले शूट अप होगा और फिर स्पीड पकड़ेगी गाड़ी, राइट? तो अगर मुझे ये जानना है कि ये गाड़ी और फास्ट जाने वाला है तो मैं आरपीएम देखूंगा कि अगर आरपीएम बढ़ रहा है मतलब ये फास्ट जाने वाला है, और अगर मुझे ये जानना है कि ये स्लो डाउन होने वाला है तो कैसे पता चलेगा? आरपीएम गिरना शुरू हो जाएगा, मैं उसका पांव देखूंगा कि ब्रेक पे है क्या और वो ब्रेक दबा रहा है, राइट? तो अगर वो ब्रेक दबा रहा है तो गाड़ी स्लो होने वाला है, अगर आरपीएम शूट अप कर रहा है तो ये गाड़ी और फास्ट जाने वाला है, अगर आरपीएम स्टेबल है तो जितने पे उतने पे ही जाने वाला है। सेम चीज आप यूज करते हो जब आपको कोई सेक्टर आइडेंटिफाई करना है। अब हम लेके आते हैं इसको, रिलेट करते हैं हमारे सेक्टर से। मुझे क्या जानना है कि ये सेक्टर चलेगा कि वहीं का वहीं बना रहेगा कि गिरेगा, ये जानना है मुझे। तो मैं कैसे जानूंगा? मैं देखूंगा उसका आरपीएम। तो आरपीएम क्या है? मोमेंटम। कि ये जो सेक्टर है वो मेरे इंडेक्स लेट्स से निफ्टी के कंपैरिजन में मोमेंटम इंप्रूव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर मोमेंटम इंप्रूव हो रहा है, और एक और मतलब हम जो थ्योरी यूज करते हैं उसमें हम वोलेटिलिटी यूज करते हैं, तो वोलेटिलिटी अगर उसका डिफरेंटली बिहेव कर रहा है मतलब उसमें रेस आ रहा है, तब जाकर के आप उसको प्री आइडेंटिफाई कर सकते हो, चलने के बाद नहीं चलने के पहले, कि ये सेक्टर अब यहाँ से मूव होने वाला है। बट इसको आप ग्राफिकली दिखा सकते हैं? मैं इसको स्टॉक्स में ग्राफिकली दिखाऊंगा। हाँ, तो यहीं से कंटिन्यू करके एक बार दिखाएं कि लोगों को कैसे दिखता है। तो मैं कंसेप्ट समझा देता हूँ, ठीक है। और तो आप वेट कीजिए, अभी हम उस पे आने वाले, क्योंकि देखो मेरा इंटरेस्ट क्या है कि आप लोगों को एक एक कॉन्सेप्ट क्लियरली समझ आना चाहिए, यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, राइट? तो ये जो पूरा कंसेप्ट है ये है कि वोलेटिलिटी, बट पहले मैं कंसेप्ट पे आऊँ उसके पहले मैं थोड़ा क्रेडिट ऐड करना चाहूंगा। ये जो है ये पूरा प्योर इनोवेशन मेरा खुद का नहीं है, ठीक है। आरएल जी करके कंसेप्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है जो कि जूलियस डी कैंपनर ने इन्वेंट किया था। मैं उनका सेम थ्योरी नहीं यूज़ कर रहा हूँ, बट इंस्पिरेशन वहीं से है। और मैं जो वो बहुत सारी जगह खाली मोमेंटम और प्राइस यूज़ करते हैं, मेरा जो थ्योरी है वो डेरिवेटिव डेटा वोलेटिलिटी मोमेंटम एंड प्राइस के ऊपर मैंने अपना खुद का कॉम्बिनेशन बनाया, ताकि राइट जिसने बनाया उनको क्रेडिट मिले। तो रिसर्च पेपर दे दो सर, पीएचडी भी आ जाएगी। नहीं, मेरा मैं सोच तो रहा हूँ कि इसको कॉपीराइट या पेटेंट जो भी होगा यूएस में वो कराएंगे जी, बट ये जो थ्योरी है वो वहाँ से इमर्ज हुआ था, ठीक है। अब ये जो उनका जो मतलब ये जो पूरा प्रोसेस है वो कैसा है, पहले हम ट्रैक कर रहे हैं कि वोलेटिलिटी इम्प्रूव हो रहा है कि नहीं, right. तो यहाँ पे सो हम चार क्वाड्रेंट बनाएंगे, ठीक है। ये हमारा फोर क्वाड्रेंट चार्ट बहुत बहुत कॉमन है। तो ये जो क्वाड्रेंट है, ये क्वाड्रेंट को मैं बोलता हूँ क्वाड्रेंट ए। ये आरआरजी समझा रहे हो क्या? नहीं, मैं आरआरजी से इंस्पायर्ड हमने आरपीजी का कंसेप्ट बनाया, रिलेटिव परफॉर्मेंस ग्राफ। ओके, रिलेटिव परफॉर्मेंस किसी का कोई कॉपीराइट नहीं है, बिकॉज़ बहुत सदियों से एग्जिस्ट। अभी मैंने आरआरजी बोला तो ये रिलेटिव रोटेशन ग्राफ होता है, उसके बारे में आपको समझना पड़ेगा, तभी आप जो समझा रहे हैं वहां से कंटिन्यू। हां, सो उससे इंस्पायर्ड आरआरजी गूगल पे लिखोगे तो मिल जाएगा। हाँ, बट ये जो चार्ट है वो कैलकुलेशन सेम नहीं है, इंस्पिरेशन वहाँ से है, लेकिन हम वोलेटिलिटी और डेरिवेटिव डेटा यूज़ कर रहे हैं, बस इतना डिफरेंस है। तो ये जो क्वाड्रेंट ए है जो हम देख रहे हैं यहाँ पे, क्वाड्रेंट ए, ये वाला क्वाड्रेंट ए में जब कोई चीज़ एंटर कर रहा है तो हमारा जो आरपीजी का जो पूरा रिलेटिव परफॉर्मेंस ग्राफ का जो कंसेप्ट है वहाँ पे ये हमको पता चलता है कि यहाँ वोलेटिलिटी जो है उस सेक्टर में इंडेक्स के कंपैरिजन में मूव होना शुरू हो चुका है, वोलेटिलिटी बढ़ रहा है। कोई भी चीज आप अभी सिर्फ आईवी की बात कर रहे हो। हाँ, इंप्लाइड वोलेटिलिटी एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, वन ऑफ द इंग्रेडिएंट इस चीज के अंदर इंप्लाइड वोलेटिलिटी। तो अगर न्यूटन ने बोला था कि कोई भी चीज जहाँ है वहीं पड़ा रहेगा जब तक उसको आके कोई फोर्स मूव ना, राइट राइट, तो हमको क्या आइडेंटिफाई करना है कि कहाँ पे फोर्स आ रहा है, वो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? जब कोई चीज पड़ा हुआ था और वहां से मूव होना शुरू होता है, तो पहले मूव होगा जब गाड़ी स्टॉप स्टेट पे, पहले मूव होगा आरपीएम। तो अभी इसमें अभी अगेन डायरेक्शन की बात नहीं है, सिर्फ अभी वॉलेटिलिटी की बात है। हाँ, लेकिन यहाँ से डायरेक्शन ही आने वाला है। तो हमने ये देखा कि कोई चीज अगर वोलेटिलिटी बढ़ना शुरू हो गया, ये जो क्वाड्रेंट ए है ये वोलेटिलिटी बढ़ना शुरू हो गया, और ये जितना ऊपर जाता जाएगा, ये जो ग्राफ मैंने ये वाला जो लाइन ड्रॉ किया है, जितना ऊपर जाता जाएगा ये प्राइस में भी परफॉर्मेंस लेकर के आ रहा है, ठीक है। जितना राइट साइड में जा रहा है उतना परफॉर्मेंस, तो ऊपर भी जा रहा है मतलब वेलोसिटी उसका इंप्रूव हो रहा है, और राइट मतलब प्राइस परफॉर्मेंस उसका इंप्रूव होता जा रहा है, ठीक है। तो मैं ये स्केल को बोलता हूँ, लेट्स से इसको लिखता हूँ वॉल, मैं इसको लिखता हूँ वोलेटिलिटी, और यहाँ पे लिखता हूँ मैं प्राइस, ठीक है, ठीक है। तो ये है, तो अगर कोई चीज़ ये ग्राफ अगर ऊपर जा रहा है तो वोलेटिलिटी बढ़ रहा है, और ये राइट भी जा रहा है एट द सेम टाइम, तो प्राइस अल्फा थोड़ा जनरेट होना शुरू हो गया ऑन अ शॉर्ट टर्म चार्ट। तो जब भी ये होता है तो आपने क्या किया, ये करने से आपने, अभी मैं सेक्टर की बात कर रहा हूँ, सेक्टर को अर्ली आइडेंटिफाई कर लिया।
क्योंकि आप जैसे ही वो नेक्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा तो आप पहले पकड़ चुके हो, पहले ही पकड़ चुके हैं हम लोग. तो यहाँ पे आपने सेक्टर को अर्ली आइडेंटिफाई कर लिया. अब मैं एक्सपीरियंस बताता हूँ, क्योंकि ये चार्ट हो सकता है हर चीज के लिए अलग अलग बिहेव करे, बट ये वापस भी आ जाता है, ये लोगों को समझाना जरूरी है. हाँ, अभी हम तो खाली इनिशिएशन पे हैं, एग्जिट पे भी आएंगे. तो ये जो पूरा साइकिल है, सो पहले मैं पूरा साइकिल कंप्लीट कर लेता हूँ. सो यहाँ पे आपने, हम एक ही जगह रिलायंस का एग्जाम्पल ले लें, नाम ले लें स्टॉक का, कोई चलेगा. तो हम स्टॉक पे आएंगे अभी, तब मैं दिखाऊंगा. अभी मैं कंसेप्ट खाली एक्सप्लेन कर रहा हूँ. तो लेट्स से रिलायंस का स्टॉक है, यहाँ पे जब उसका वोलेटिलिटी बढ़ना शुरू हुआ तब हमने आइडेंटिफाई किया कि यहाँ एक्टिविटी हो रहा है. अभी तक प्राइस बहुत ज्यादा नहीं इम्प्रूव हुआ है, बट एक्टिविटी हो रहा है, हमने उसको आइडेंटिफाई कर लिया, खरीद लिया, पहले ही कर लिया, पहले ही खरीद लिया. राइट, ए पे आते ही, ए पे आते ही खरीद लिया. जैसे वो यहाँ से ए में घुसा, हमने उसको खरीद लिया. अब ये प्राइस एक्सपेक्टेशन यही है कि प्राइस इंप्रूव होता जाएगा, जो कि जनरली होता है. तो ये क्लॉकवाइज मूव होगा. अब जब वो क्वाड्रेंट बी में जाता है, ये जो बी का जो क्वाड्रेंट है, यहाँ पे एब्सोल्यूट प्राइस परफॉर्मेंस है, मतलब अब अल्फा देना शुरू कर चुका है. अब वोलेटिलिटी तो थी उसमें और अब यहाँ से प्राइस बढ़ रहा है, प्राइस और बढ़ना शुरू हो गया. तो अब आपको रिटर्न, काफी स्ट्रॉन्ग रिटर्न आना शुरू हो चुके. तो ये यहाँ पे मूव होता रहेगा, होता रहेगा, और इवेंचुअली एक टाइम आएगा जब उसका वोलेटिलिटी बाजार या जो भी इंडेक्स हमारा कंपैरिजन है उसके वोलेटिलिटी के कंपैरिजन में गिरना शुरू हो जाएगा. तो जब वो गिरना शुरू हो जाएगा, ये हमारा एग्जिट है. तो मैं इसको लिखता हूँ सेल, और ये वाला जो पॉइंट है मैं इसको लिखता हूँ बाय. अब यहाँ पे एक पर्सनल सवाल है, जब हम आईवी की बात करते हैं, ठीक है, तो हम जनरली ये देखते हैं कि जब कोई स्टॉक गिर भी रहा होता है तब उसकी आईवी बढ़ती है. ये तो आपने प्राइस नीचे लिया हुआ तो इस डायरेक्शन में जा रहा है ना. अब डायरेक्शन प्राइस तो बढ़ा हुआ था और आईवी गिरनी शुरू हो गई, तो अगर प्राइस ने गिरना होता है तो आईवी तब भी शूटअप ही करती है. तो हम ऐसा क्यों कर रहे हैं कि आईवी के गिरने पे हम खरीद रहे हैं, हो सकता है आईवी के गिरने पे भी प्राइस ऊपर बढ़े. नहीं, सो ये मैंने आईवी नहीं लिख के वॉल लिखा है, ये कन्वर्टेड वोलेटिलिटी है. इसका मतलब है कि ऊपर में भी इंप्लाइड नहीं है, इंप्लाइड से कन्वर्टेड, मतलब अगर कोई चीज ऊपर जा रहा है तो भी वोलेटिलिटी है, नीचे जा रहा है तो भी वोलेटिलिटी है. अल्टीमेटली स्टैंडर्ड डेविएशन डेविएशन है, राइट? तो दोनों साइड डेविएशन है. तो अगर आप इसको उस कोरिलेशन के टर्म में लेंगे तो कंफ्यूजिंग होगा. ये कन्वर्टेड वोलेटिलिटी क्या करता है, ऊपर जाए या नीचे जाए मोमेंटम बताता है कि ये यहाँ पे वोलेटिलिटी इमर्ज हो रहा है कि नहीं हो रहा. बट जनरली किसी भी स्टॉक के प्राइस के गिरने पर या किसी भी बेंचमार्क के गिरने पर वोलेटिलिटी बढ़ती है, राइट? ये तो हमने देखा ही है. right. ऊपर जाने पर भी बढ़ सकती है क्योंकि वॉलिटिलिटी right. आ रही है, तो कुछ ना कुछ हो सकता है. right. हो सकता है प्राइस ब्रेकआउट कर रहा हो और ब्रेकआउट पे मार्केट एक्सपेक्टेशंस हैं कि यहाँ से फॉल्स ब्रेकआउट हो सकता है, प्राइस गिरेगा. right. तो भी वॉलिटिलिटी बढ़ सकती है. बट जनरली जब एक चीज कंसिस्टेंटली ट्रेंड में होती है और एक लॉन्ग ड्यूरेशन ट्रेंड में होती है तो वॉलिटिलिटी जनरली हम देखते हैं कि वो एक स्टेबल रहती है ना, उसमें हलचल नहीं होती. तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर हम एग्जिट कर रहे हैं वॉलेटिलिटी के गिरने पर और वॉलेटिलिटी कम रहकर भी प्राइस ऊपर जा सकता है तो हम उस ट्रेंड को कहीं ना कहीं मिस नहीं करेंगे. नहीं, बट हम तो रिलेटिव देख रहे हैं, बेंचमार्क के कंपैरिजन में. एब्सोल्यूट से मुझे मतलब ही नहीं है. ओके ओके, अब आप क्या करोगे, यहाँ पे बात खत्म हो गई, नई पोजिशन बनाओ, दूसरे स्टॉक में आ जाओ. ओके ओके ओके, तो रिलायंस यहाँ से एग्जाम्पल, वो 200-300 पॉइंट बढ़ गया और वो मेरा काम वहाँ पे खत्म हो गया. right. अब वो 300 पॉइंट का प्रॉफिट लेके मैं दूसरे स्टॉक में आ रहा हूँ, दूसरा स्टॉक में स्विच करेंगे. ओके okay. नहीं तो फिर तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग हो जाएगा. सॉरी सॉरी सॉरी. तो ये मेरे दिमाग में यही, मतलब बार बार यही आ रहा था कि मतलब हम इसे निकाल रहे हैं वॉलिटिलिटी के गिरने पर. वो ठीक है, बाइक ऐसे बढ़ रही थी वो समझ आ गया, बट जब हम गिरने पर निकाल रहे हैं तो मुझे ऐसे लगा कि थोड़ा सा यहाँ से 200-300-500 पॉइंट और बढ़ना हो, वो तो छोड़ दिया. तो वो आप सही कह रहे हो कि फिर दूसरे पे आ जाओ ना, दूसरे पे स्विच करते जाओ. यहाँ पर एक चीज है कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है, वॉलेटिलिटी बढ़ रही है, तो सिर्फ स्टॉक खरीदने ही के उसको ऑप्शन में भी ट्रेड करने में तो फायदा हो सकता है. करना तो ट्रेड ऑप्शन में ही है, लेकिन सिग्नल हम फ्यूचर से ले रहे हैं, सिग्नल हम फ्यूचर से ले रहे हैं, बट यहाँ पे तो नेट बाइंग करने में फायदा होगा. सो यहाँ पे आइडियली अब अगर मैं लॉन्ग ऑप्शन में फायदा होगा, स्टॉक ऑप्शन में ही ट्रेड करना है हमको, और जनरली स्प्रेड्स बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे मैं 2-3 दिन का ट्रेड स्प्रेड बनाएंगे. वो क्रेडिट स्प्रेड तो नहीं होने वाला, नहीं, डेबिट स्प्रेड होगा, डेबिट स्प्रेड होगा. बट वो क्या इन द मनी में जाके वॉलेटिलिटी का बेनिफिट लेने वाले हम? नहीं, इन द मनी में नहीं, क्योंकि जनरली अगर आप एट द मनी अगर आप देखोगे डेबिट स्प्रेड में पैसा सबसे ज्यादा कहाँ बनेगा, जहाँ पे अल्टीमेटली अगर उस रेंज में एक्सपायरी आता है, जो भी आप एक्सपायरी में ट्रेड कर रहे हो, तो जनरली आप एक या दो ओटीएम, मतलब बहुत ज्यादा दूर नहीं,
एक या दो OTM में जाकर के ट्रेड लेंगे, तब आपको 1:3 का जनरल रेशियो होता है, 1:3। तो अगर ये मैं स्ट्रैटेजी बैठाऊंगा तो जितना मैं अगर 100 रुपये का रिस्क ले रहा हूँ तो मेरा 300 रुपये आना चाहिए का मेरा गोल होगा। और अभी तक का जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है ये पूरी चीज़ों के साथ, कोई भी चीज़ यहाँ एंटर करता है सेक्टर में तो 3 महीना तक रहता है, 3 मंथ्स के आसपास का साइकिल है, 3 से 4 महीने में ख़त्म हो जाएगा वो सेक्टर। जब तक मीडिया पे आता है या सोशल मीडिया पे आता है तब तक वो 3रा महीना में होता है, तब तक गेम खत्म हो रहा है, खत्म, क्योंकि लोग पोस्टमार्टम कर रहे हैं ना, जब पूरा परफॉर्मेंस आ गया तब देख रहे हैं अरे ये चल रहा है, लेकिन तब तक तो बहुत लेट हो गया और फिर वो गिरना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे सेक्टर्स 3-4 महीना रहेगा, लेकिन अगर स्टॉक्स की बात करेंगे तो मुझे लगता है रफली 3 दिन से 15-20 दिन का साइकिल आपको स्टॉक्स में देखने के लिए मिलेगा, जो कि सबसे स्वीटेस्ट स्पॉट है, आप इसे नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आप कह रहे हो सेक्टर के लिए 3 मंथ्स का टाइम फ्रेम आपका एक रहना चाहिए, और जो आप स्टॉक्स की बात कर रहे हो वो मैक्सिमम 15 दिन। हाँ, मतलब एवरेज उसके आसपास है, 3 से 15 दिन के आसपास, 3 दिन का भी आप ट्रेड ले सकते हैं, 3 दिन से 15 दिन का आपको ज्यादा हो सकता है, नियर टू एक्सपायरी हो तो फिर आप उसको नेक्स्ट एक्सपायरी में लेंगे, क्योंकि अगर आप डेबिट स्प्रेड बना रहे हैं और अगर एक्सपायरी आपका 2 दिन या 3 दिन के बाद है तो आप अगली एक्सपायरी में ट्रेड लेंगे, बट जनरली आपके पास लगभग 15 दिन का टोटल टाइम होना चाहिए। बट हमें बनाना है डेबिट, ही डेबिट वॉलेटिलिटी का फायदा तभी होने वाला है, नहीं तो फिर आप कमाएंगे कम। अगर हम क्रेडिट स्प्रेड बना सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, बट 1:1 जब मुझे 1:3 मिल सकता है और उसको भी हम स्ट्रैटेजी इवोल्यूशन करके शायद 1:5 ले जाएं, जो स्ट्रैटेजी इवोल्यूशन टेक्निक है, तो मैं 1:1 क्यों कमाऊं, थोड़ा सा रिस्क लेना है एक्स्ट्रा वो ले लेंगे। अगर आप स्ट्रैटेजी को इवॉल्व कैसे करोगे, क्या इवोल्यूशन टेक्निक है आपकी? सो जनरली अगर लेट्स से कोई ब्रेकआउट, मैं इसका एग्जांपल नहीं दे रहा, एकदम प्लेन वेनिला स्ट्रैटेजी बताता हूं, अगर कोई ब्रेकआउट आता है और मैंने जाकर के कॉल ऑप्शन ले लिया, अब जनरली अगर वो चल गया तो बेच देते हैं हम लोग, अगर वो नहीं चला तो हम छोड़ देते हैं, अरे कोई बात नहीं रखते हैं, वेट करते हैं, और इवेंचुअली हो सकता है आप उसको बहुत लंबे टाइम तक एक्सपायरी तक भी बहुत लोग होल्ड कर जाते हैं, उसमें नुकसान हो जाएगा। हाँ, तो इसको इवॉल्व कैसे करना चाहिए, आपने एक ट्रेड लिया लॉन्ग कॉल, 3 दिन का लिमिट है, अगर 3 दिन में वो परफॉर्म नहीं करता तो आपको 3रे दिन को उसको बुल कॉल स्प्रेड में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो हम बुल कॉल स्प्रेड बनाएंगे, अभी भी हम डेबिट में ही रहेंगे बट हम कॉल स्प्रेड में आ जाएंगे, तो आपका अब जो रिस्क है वो मिनिमाइज हो गया, वो कम हो गया। अब थोड़े दिन और तक अगर वो नहीं चलता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं उसको, या तो अब ये लेकिन करना है हमको एक्सपायरी वीक में, सो मैंने अगर लेट्स से मिड एक्सपायरी मैंने ट्रेड लिया था लॉन्ग कॉल, नहीं चला, एक्सपायरी की बात कर रहे हैं, मंथली एक्सपायरी की बात कर रहे हैं, 15 दिन मिनिमम हमारे पास स्टॉक्स में मंथली एक्सपायरी, तो हमारा मिनिमम 15 दिन था, 15 दिन था, तो 15 दिन हमने लॉन्ग कॉल लिया, 3 दिन तक कोई मूवमेंट नहीं आया, हमने बुल कॉल स्प्रेड में कन्वर्ट कर दिया, अब हो सकता है हम एक्सपायरी वीक के तरफ बढ़ रहे हैं, 7-8 दिन बचा एक्सपायरी को, तब मैं क्या कर सकता हूँ, तब मैं जाकर के उसको या तो रेशियो अगर मेरा रिस्क एपेटाइट है, और नहीं तो बटरफ्लाई में कन्वर्ट कर दूंगा। तो अगर आप देखोगे अभी भी, बट आप ये सोचो ना, अगर मैं लास्ट में जाके बटरफ्लाई बना रहा हूँ, अगर एक स्टॉक में 10 दिन तक मूवमेंट नहीं आई तो 10 दिन तो साइडवेज का वो पैसा दे गया, अगर मेरे को साइडवेज स्ट्रेटजी होती तो जो सेलर को दे गया, तो अब तो वो डायरेक्शन पकड़ सकता है ना, अगर वो इतना ज्यादा रेंज बाउंड हो जाएगा तो रेंज कहीं ना कहीं तो फट सकती है ना, तो वहाँ पे बटरफ्लाई बना के मैं दिक्कत में आ सकता हूँ? नहीं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना, क्योंकि मैं बटरफ्लाई तो ऊपर के स्ट्रैटेजी में बेच रहा हूँ, ऊपर का OTM ऑप्शन बेच रहा हूँ, तो मेरा जो अभी OTM ऑप्शन का डीके चालू हो गया, तो अगर वो स्टॉक ऊपर भी जाएगा तो भी OTM ऑप्शन अब सेंसिटिव नहीं है। नहीं, बट एटम नहीं बेचते ना बटरफ्लाई में, अच्छा आयरन बटरफ्लाई, OTM बटरफ्लाई, आयरन भी नहीं बात कर रहा हूँ मैं, OTM बटरफ्लाई की बात कर रहा हूँ। तो आप एक बुलिश बटरफ्लाई बनाने वाले हो कहने का, बुलिश बटरफ्लाई, और बुलिश बटरफ्लाई में आपको क्या लगता है, मतलब क्या रिस्क रिवॉर्ड आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, क्या होना चाहिए? अगर वो जिस जगह पर आपने बनाई है उस जगह पे क्लोज हो गया तो बहुत अच्छा 1:6 दे जाएगा, वो 1:10 भी मिल सकता है, मिल सकता है, तो वही मैं बता रहा हूँ, अब जरूरी नहीं हर ट्रेड में 1:10 मिलेगा, तो आपकी जगह पे क्लोज होनी चाहिए। आपने 1:10 बनाया, 1:12 बनाया, हो सकता है 1:4 मिला, कोई खराब नहीं है ना, बहुत अच्छा स्ट्रैटेजी। तो इवेंचुअली आप क्या कर रहे हो, एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम आप अपना रिस्क को मिनिमाइज कर रहे हो, रिस्क कंट्रोल कर रहे हो, और आपका रिटर्न कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहा है, क्योंकि जब आप OTM ऑप्शन एक्सपायरी के आसपास बेच रहे हो तो वहाँ पे वो ऑप्शन अब इनसेंसिटिव हो गया, मूवमेंट आएगा तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, और मेरा 1:3 जो मुझे कमाना था इनिशियली वो तो अभी भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है अगर उससे भी ज़्यादा चल गया मेरे को तो 1:3 मिलने ही वाला है, तो कोई इशू ही नहीं है, लेकिन मैं अपना कैपिटल प्रोटेक्ट कर रहा हूँ एट ऑल गिवन पॉइंट। तो स्ट्रैटेजी इवोल्यूशन तो ऐसी चीज़ है, आप कोई भी थ्योरी पे ट्रेड करिए आपको आना ही चाहिए, आपके पास चाहे 1,00,000 रुपए का भी कैपिटल हो
बट स्ट्रैटेजी इवोल्यूशन लोगों को ना लगता है, बहुत सारे बिगनर्स, बिकॉज हम बिगनर के लिए शूट कर रहे हैं, बहुत सारे बिगनर्स को लगता है कि अपने दोस्त को पूछना कि बाजार कहाँ जाने वाला है, या कोई एक्सपर्ट को पूछना कि बाजार कहाँ जाने वाला है, से पैसा बन जाएगा। मैंने जितने मैच्योर ट्रेडर्स देखा है शिकागो में, CBOE में मेरे इतने सारे फ्रेंड्स हैं, हर जगह हैं पूरे दुनिया में, जितने अच्छे लोग को मैंने देखा, मैं सिर्फ इंडिया नहीं बाहर के भी बात कर रहा हूँ, वो लोग ने फोरकास्टिंग से पैसा नहीं बनाया। वो लोग ने बनाया है या तो ये मैथ्स को इवॉल्व करके कि किस तरह से आप स्ट्रैटेजी इवॉल्व कर रहे हैं, और या रिस्क मैनेजमेंट करके कि मैं अपना रिस्क को कंटिन्यूसली कैसे कंट्रोल करूँ। ये डिसिप्लिन से पैसा बनता है, फोरकास्टिंग से नहीं बनता। अगर आप रियली अच्छा पैसा बनाना चाहते हैं, क्योंकि कोई भी आदमी भगवान नहीं है, अभी हमने आई थिंक जो शॉर्ट्स आप दिखाएंगे लोगों को, जहाँ पे हमने दिखाया था कि अगर आपका 90% स्ट्राइक रेट भी है, आप हाफ कैपिटल भी डिप्लॉय कर रहे हो, तो भी 87% प्रोबेबिलिटी है कि आप अपना पोर्टफोलियो जीरो कर दो। नहीं नहीं, ये भी हम करके दिखाते हैं यहाँ पे, एक बार उसे भी दिखा देते हैं क्योंकि कई सारे लोगों ने वो शॉर्ट नहीं देखा होगा। Sure. वहाँ पे हम आ जाए तो पुष्कर जी, अभी हम लोग एक गेम खेलते हैं। अच्छा ठीक है, और आप बताइए कि कितना मैक्सिमम स्ट्राइक रेट, मतलब अच्छे जो ट्रेडर होंगे कितना पॉसिबल होगा? मेरे हिसाब से 65% अबव का स्ट्राइक रेट इज अ गुड स्ट्राइक रेट, राइट? अबव दैट इज एनीथिंग इज गुड। तो अब मैं बोलता हूँ, बहुत सारे लोग हैं जिनको लगता है 90% स्ट्राइक रेट आता है, उनकी स्ट्रैटेजी पे, लेट्स से तो 90% का भी अगर आपका स्ट्राइक रेट है जी, और आप क्या 90% का मतलब समझा देते हैं कि अगर ये आप 100 ट्रेड ले रहे हो तो 90 में प्रॉफिट हो रहा है, राइट, और 10 में नुकसान हो रहा है, इसका मतलब होता है 90 का स्ट्राइक रेट। हाँ, अगर आप ऐसी कोई स्ट्रैटेजी ढूंढ लेते हो तो, और मैं बोल रहा हूँ कि अगर 100 में से 65 ट्रेड में भी प्रॉफिट हो रहा है तो भी बढ़िया है, तो भी बढ़िया। बट यहाँ पर एक चीज और आती है सर, रिस्क टू रिवॉर्ड, वो शायद अभी इसमें मिसिंग है। तो मैं एडजस्टेड बात कर रहा हूँ, जब मैं रिवॉर्ड स्ट्राइक रेट की बात कर रहा हूँ, एडजस्टेड मतलब अगर आपको कोई चीज में 2 आता है और 1 जाता है, हाँ, तो आपका स्ट्राइक रेट कितना है? तो 75 है। तो उस तरह से आप उसको एडजस्ट कर लीजिए। अच्छा, तो एडजस्टेड स्ट्राइक रेट भी अगर लेट्स से किसी का 90% है, ठीक है, कि मतलब 10 जाता है और सीधा 9 आता है, हाँ, मतलब 10 में से 9 ट्रेड आपका राइट ही जाता है, तो आप राइट में आता कितना ना, ये इंपॉर्टेंट है। लेट्स से 5% का स्ट्रैटेजी है या 2% का स्ट्रैटेजी है, अल्टीमेटली हम प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो लेट्स से 2% हर ट्रेड में आता है। अच्छा, और 2 ही जाता है, और 2 ही चला जाता है, ठीक है। ये एडजस्टेड स्ट्राइक रेट का मतलब ही वही होता है कि इवन आउट हो गया, जितना आएगा उतना ही जाएगा। तो अब मुझे कितना पैसा डालना चाहिए उसमें, हर ट्रेड जब मैं करूंगा, लेट्स से मेरे पास कैपिटल का, अपनी कैपिटल का मेरे पास 10 लाख रुपए, तो मुझे कितना कैपिटल डाल के उसमें ट्रेड करना चाहिए? चलो, मुझे तो अभी आंसर पता है, तो बट ज़्यादातर लोगों को ऐसा लगता है, मैं उनकी बात कर लेता हूँ, कि अगर उनके पास 10 लाख रुपए है तो वो कहेंगे जी चलो 5 लाख से ट्रेड कर लेते हैं, 5 लाख बैकअप में रख लेते हैं, क्योंकि अगर उससे कम में ट्रेड किया तो फिर बनेगा ही क्या, ऐसा लोग सोचते हैं। मैंने जो अपने करियर में देखा है, लोग इसका रिवर्स सोचते हैं कि मेरे पास तो 90% का स्ट्राइक रेट है, 10 में से 9 ट्रेड तो राइट जाता है, तो मैं खुद का 10 लाख तो डालता हूँ, ब्रोकर से भी 10 लाख मार्जिन फंडिंग लेता हूँ और 20 लाख डालता हूँ, तो ज़्यादा पैसा बनेगा। देखो सर, मैं तो थोड़ा इसमें बहुत कंजर्वेटिव रहता हूँ, मतलब मैंने आपको बताया भी था कि अपना क्या स्ट्रैटेजी है, तो ऑनेस्टली स्पीकिंग अगर 1 करोड़ रुपया है एग्जाम्पल, या 10 करोड़ रुपया जो भी है, तो उसका मैक्सिमम 10% यूज़ करना है, उससे ऊपर जाना ही नहीं है, मतलब कोई सेंस ही नहीं है, मतलब ठीक है। बट लोग जनरली ऐसा करते नहीं है। हाँ। लोग तो जितना पैसा बाहर से मिल जाए, बन गया इस बार तो, हाँ, मुझे आ गया है सब कुछ, अब 10 लाख क्यों, ब्रोकर से 10 लाख और लो, 20 लाख डालो, ब्रोकर छोड़ो, लोन ले लेते हैं, और ये लोन एग्जैक्टली उसी पे आ रहा था मैं, लोन लेकर के लोग ट्रेड करते हैं क्योंकि इतना अच्छा स्ट्रैटेजी मेरे हाथ लग गया है तो लोन तो भर देंगे। बट अब मैथ्स में जब आप जाएंगे तो अभी हम देखेंगे कि ये चीज कितना आपके लिए, 90% में ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये डिफेंड ही नहीं कर रहा हूँ, 90 आपका स्ट्राइक रेट नहीं है, मैं मान लेता हूँ 90 आपका स्ट्राइक रेट है, तो पैसा बनेगा कि नहीं बनेगा, ये मेरा क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगर आप आधा भी यूज करते हैं कैपिटल, कि मेरे पास 10 लाख है, 5 लाख हर ट्रेड में डालूंगा और ऐसा 100 ट्रेड में बनाऊंगा, तो मैथ ये बताता है 89% आपका प्रोबेबिलिटी है कि आपका पोर्टफोलियो जीरो हो जाए। यहाँ पर क्या लिया है, नंबर ऑफ ट्रेड 100 लिए हैं, 100 ट्रेड जब तक आप करोगे तब तक 89% प्रोबेबिलिटी है। इसमें 4 चीजें मैं बता देता हूँ लोगों को, नंबर ऑफ ट्रेड 100 है, कंजेकेटिव लॉसेज इन्होंने 2 लिए हैं क्योंकि आपने 50% कैपिटल एक बार में यूज किया, right. अगर आपने उसे खत्म कर दिया तो नेक्स्ट ट्रेड ही ले पाओगे, right. और अगर वो भी खत्म हो गया तो बस बात खत्म, तो आप सिर्फ 2 ही लॉस ले सकते हो। और यहाँ पर अगर आप स्ट्राइक रेट 90 का भी लेते हो तो भी ऐसा हो सकता है कि आपके पास ऑलमोस्ट 90% चांस है कि आपका कैपिटल जीरो होने वाला। जब तक आप 100 ट्रेड बनाओगे 90% प्रोबेबिलिटी है कि आपका कैपिटल जीरो, और जिस चीज़ की 90% प्रोबेबिलिटी है मान लो वो होना ही, राइट, ठीक है। तो हम
हमने ये डिस्कस किया था कि अगर आपको ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होना है तो यहाँ पर ये प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल ब्लोन अप ये होना चाहिए लेस देन 1%। अब ये कैसे हो सकता है, यहाँ पर सर दोबारा से ले लेते हैं इसी को नंबर डालिए। हाँ, तो मैं हम लोग जो जिस आप नंबर डाल दीजिए किस चीज के लिए, इसी में हम एक नंबर डाल देते हैं, इसलिए नंबर ऑफ ट्रेड 100 ले लेते हैं, ठीक है। और अब मेरी वाली बात करते हैं कि भाई 10% से ऊपर कैपिटल नहीं लगाना आपके पास जो भी पैसा है, ठीक है, तो 10 ट्रेड का आप लॉस ले सकते हो। और स्ट्राइक रेट हम जेन्युइन रखते हैं 65% तो वो आप ले लीजिए 65। अब हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल ब्लोन अप क्या है, ठीक है। तो अगर हम लोग 65% का स्ट्राइक रेट लेकर के चलते हैं तो 0.18% का प्रोबेबिलिटी है कि आपका पोर्टफोलियो जीरो होगा का ऑलमोस्ट नेगलिज, 1 से नीचे मतलब अच्छा है। और अगर यहाँ पे स्ट्राइक रेट आपका इंप्रूव हो जाता है सीख के, ये 65 का 70 कर देंगे तो गेम और चेंज हो जाएगी, ऑल चेंज हो जाएगा। अगर आप 100 ट्रेड बनाते हैं और आप 1/10 ऑफ द कैपिटल अगर आप उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं और आपका एडजस्टेड स्ट्राइक रेट 70 है, लेट्स से जब आप कमा रहे हैं तो ज्यादा कमा रहे हैं, नुकसान दे रहे हैं तो कम दे रहे हैं, तो वो भी एडजस्टेड स्ट्राइक रेट है, तो 0.06 का आपका प्रोबेबिलिटी, मतलब ना के बराबर प्रोबेबिलिटी कि आपका नुकसान होने वाला है। तो अब हम वापस जाते हैं जिस कंटेक्स में हम बात कर रहे थे कि लोगों को लगता है कि कल निफ्टी कहाँ चला जाएगा, अगर ये मुझे पता चल जाए तो मैं बहुत पैसा बना लूँगा, राइट। बट ऐसा नहीं होता है। जो लोग लॉन्ग टर्म में, मैंने एटलीस्ट अपने करियर में जिनको पैसा जेन्युइनली बनाते हुए देखा है ना, ये बोरिंग लगेगा थोड़ा सा, बट इसमें इंपॉर्टेंट आ गया ना इनके लिए कि भाई चलो आपने ये पता भी लगा लिया कि निफ्टी कल कहाँ जाने वाला है, मान लो आपको पता लग गया, और उसके बाद भी अगर आप अपना 50% एलोकेशन कर देते हो कैपिटल का तो आप गए, खत्म हो गए, 90% स्ट्राइक होने के बाद भी गए, क्योंकि आप 10 में से 9 बार मतलब आप इस तरीके से आ रहे हो कि 10 में से 9 बार भाई जो मैं बोलता हूँ वही होता है, बट आप उसमें पैसा कितना लगा रहे हो ये इंपॉर्टेंट है, कि अगर 2 बार गलत हो गए तो खत्म हो गई गेम, खत्म। आप 10% मैक्सिमम एलोकेशन मेरे हिसाब से रखिए। अब इसके बाद हम आ जाते हैं आपके उसी कॉन्सेप्ट पे, क्योंकि एक तो आपने आप इंपॉर्टेंट लोगों को दे दिया कि शुभम जी क्या करते हैं अगर उनके पास 1 करोड़ होते तो, राइट, तो आप कितना कैपिटल यूज करते सर, मतलब अभी तो अगर आप कैपिटल, तो मैंने आपको बताया नहीं, जो मैंने मैनेज किया, नहीं नहीं मैंने आपको, अच्छा वैसे आप ओके, ना, ओके, अगर मैं बैक टू दैट, तो सेम 1/10 का रूल सब लोगों को फॉलो करना चाहिए। अगर 1 करोड़ है तो 10 लाख रुपया मैं ट्रेडिंग में डालूंगा, 90 लाख रुपया या तो मल्टी एसेट एलोकेशन करिए या कोई और स्ट्रैटेजी। सो बहुत लोग को लगता है बाकी पैसा मैं क्यों खाली छोड़ूं, तो जो बहुत सारे बड़े लोग हैं जिनका अच्छा पोर्टफोलियो, लोग क्या करते हैं अनकोरिलेटेड स्ट्रैटेजी में डालेंगे, मतलब एक स्ट्रैटेजी इस पे डाला जो लेट्स से 90-65 जो भी स्ट्राइक रेट दे रहा है, दूसरा स्ट्रैटेजी उसमें डाला जिसको इससे कोई लेना देना नहीं। तो जब आप ऐसे 4-5 स्ट्रैटेजी रन करोगे तो आपका रिस्क कम हो जाएगा। एक ये तरीका है कि एक जगह पैसा मत डालिए, मल्टीपल में डालिए। दूसरा तरीका है कि गोल्ड ले लीजिए, म्यूचुअल फंड में डाल दीजिए, या फिर डेट म्यूचुअल फंड्स हो सकते हैं, डेट में डाल दीजिए। आपको मेरा ऐसा मानना है कि वो पैसा फिलहाल के लिए आपका सेफर इंस्ट्रूमेंट में होना चाहिए, या फिर वेल डाइवर्सिफाइड होना चाहिए, राइट। तो वेल डाइवर्सिफाइड के लिए आपको ETF स्ट्रैटेजी इतनी बढ़िया बताई है मैंने लोगों को, okay. मतलब मैंने लोगों को बेसिकली बताया कि अभी आप स्टार्टिंग में ट्रेडिंग करो ही मत, आप पहले अपना कैपिटल क्रिएट करो, इन्वेस्टमेंट करो, ETFs में इन्वेस्ट करो, उसमें गोल्ड ETF हो आपके पास, फिर अगर आपको ट्रेड करना है तो आप प्लेज कर दो उसका 10%, राइट, एंड देन यू कैन ट्रेड उसमें, ट्रेड करो उसमें, ट्रेड कीजिए, कि अगर जाएगा भी तो आप बहुत लिमिट में रहोगे, कम, और उसे मतलब मैं शब्दों में साफ शब्द बोलता हूँ औकात में ट्रेड करोगे, एग्जैक्टली। तो पैसा भी ऐसा नहीं है कि छप्पर फाड़ के आएगा, बट वो ये ना कंसिस्टेंसी विल बीट एवरीथिंग, राइट। कंसिस्टेंसी जो आपने बोला ना, जितने भी बड़े ट्रेडर हैं उनका गोल बहुत बड़ा रिटर्न नहीं है। मैं कुछ नंबर्स बोलता हूँ, शायद रिटेल का एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होगा, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपका 40% साल का बन रहा है, वो भी कंजर्वेटिवली मैं बोल रहा हूँ, बट अगर बहुत लोग का 40 तो क्या पोर्टफोलियो ही नहीं बचता है, बट अगर आपका 40% बन रहा है तो आपको उससे ज़्यादा का लालच नहीं रखना चाहिए। बात है बड़ी कैपिटल आप समझो, मैं तो छोटी कैपिटल का बात कर रहा हूँ, ये बड़ी कैपिटल में लोगों का एक्सपेक्टेशन 40 सही मतलब ही नहीं है, क्योंकि मैं आपको ये बता रहा हूँ, जो आदमी 10,000 करोड़ रुपये पे है वो ये सोच रहा है यार अल्फा अच्छा प्रोड्यूस हो जाए, बात खत्म, सही। वो ये सोच ही नहीं रहा कि मेरे को 40 आएगा 50 आएगा। सो जिनके पास ज़्यादा पैसा है उनका फर्स्ट प्रायोरिटी है वेल्थ प्रिजर्वेशन, वेल्थ प्रिजर्वेशन, नॉट वेल्थ क्रिएशन, एंड देन अल्फा। उसके बाद उनको क्या चाहिए कि आज मुझे लेट्स से FD में इतना मिलता है, उससे मैं 3-4% एक्स्ट्रा जनरेट कर सकता हूँ क्या, कंसिस्टेंटली। क्योंकि जो इन्फ्लेशन रिपोर्ट होता है, आप अपने एक्चुअल लाइफ में देखो उतना इन्फ्लेशन में आप जी रहे हो, नहीं जी रहे हो। अगर गवर्नमेंट बोलता है लेट्स से 5% इन्फ्लेशन है, आपके रियल लाइफ का इन्फ्लेशन कितना होगा, 10 होगा, ज़्यादा भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। तो आप इसीलिए क्या करते हो, इन्वेस्ट करते हो ताकि आप उतना
एटलीस्ट अपना इन्फ्लेशन को कवर करके थोड़ा आप अल्फा वहाँ पे बना पाओ. तो जितने भी मैंने पोर्टफोलियो मैनेज किए हैं, लोगों का एक्सपेक्टेशन होता है 14-18% कि अगर आपको 14-18 कंसिस्टेंटली मिलना चाहिए, पोर्टफोलियो नहीं जाना चाहिए, तो दे आर मोर देन हैप्पी. बट मैं रिटेल के पर्सपेक्टिव से भी बोल रहा हूँ तो मुझे लगता है कि अगर आप 40 जनरेट कर पा रहे हैं, उससे ज़्यादा का लालच तो होना ही नहीं चाहिए. क्योंकि मैं एक एग्जाम्पल यहाँ पे थोड़ा सा और ऐड कर रहा हूँ, थोड़ा हम डेविएट हो रहे हैं यहाँ से, बट एक एग्जाम्पल ऐड करता हूँ. आप कोई आपके पास आया लोन मांगने के लिए, लेट्स से आप लोन देते हो, ठीक है, और आपके पास कोई लोन मांगने आया, उसने आपको बोला कि आपको 12% का इंटरेस्ट देगा साल का, तो शायद आप दे दोगे. लेकिन अगर एक बंदा आता है और आपको बोलता है कि मैं साल का 50% इंटरेस्ट दूंगा, नहीं उसे नहीं दोगे, तो आपके मन में क्या आएगा? यार इसे कोई भी नहीं दे रहा, ये मेरे से आके मांग रहा होगा और ये डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है. एग्जैक्टली. तो जब ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है उसके साथ क्या आ रहा है? डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी आ रहा है कि ये बंदा हो सकता है पैसा वापस ही नहीं करे. सिमिलरली बाजार क्या अलग है? ये जो बेसिक फंड है वो तो सेम ही रहने वाला है. अगर कोई स्ट्रैटेजी आपको 100% का रिटर्न, जैसे बहुत सारे लोगों को मैंने सुना है बोलते हुए 100% का रिटर्न दे देगा, तो उसमें रिस्क भी उतना ही है. तो उसमें कैपिटल आने का प्रोबेबिलिटी, वापस आने का प्रोबेबिलिटी कितना है, ये आपने चेक किया क्या कि मेरा पैसा खुद का वापस आएगा का प्रोबेबिलिटी कितना है? तो इसीलिए जितना ज़्यादा आप रिटर्न चेज करोगे उतना ज़्यादा रिस्क आपके साथ में आएगा ही आएगा. बट अभी मैं एक कमाल की बात बताऊंगा, जब ये स्ट्रैटेजी पे आएंगे ना तो अभी ये बताएंगे कि आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस में ट्रेड करना है, वो भी नेक्ड बाइंग करनी है, जो हमारी अभी डिस्कशन हो रही थी. तो अभी आप बिल्कुल ऐसा मत सोचना कि ये शुभम जी आपको जो अभी बोल रहे हैं उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, ये 100% सही बोल रहे हैं. बट स्ट्रैटेजी पे जब हम आएंगे तो ये, क्योंकि हमारी थोड़ी सी डिस्कशन हुई थी तो जब इन्होंने बताया कि मैं क्यों बहुत कन्विक्शन के साथ आउट ऑफ द मनी ऑप्शन को नेक्ड बाय करूँगा, तो मतलब मेरे को ऐसा लगा यार ये तो अभी पूरा कंजर्वेटिव चल रहे थे और ये एकदम से कहाँ पे कूद गए. तो इन्होंने उसका जो अपना साइंस बताया तो वो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगने वाला है. कंटिन्यू करते हैं. मैं जो पूरा स्ट्रैटेजी बताऊंगा, जितनी भी चीज़ें कवर करूंगा, वो 1,00,000 के कैपिटल से भी आप कर सकते हैं. क्या बात. तो कहीं पे भी ऐसा कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगा, आप एकदम छोटे कैपिटल से कर सकते हो. अल्टीमेटली रिटर्न मैटर करता है. बट ये कंसेप्ट थोड़े बोरिंग होंगे, बट जो बोरिंग चीज़ें हैं वो कंसिस्टेंटली चलती है. राइट. तो ये एक चीज़ जो हमने देखा. और मैं आपको बोलूंगा, अगर आपको नहीं भी समझ आ रही ना कोई चीज़ें, यार आप सुन लो यार एक बार ना, दिमाग में जाने दो, कम से कम सबकॉन्शियस माइंड में ये नाम आने तो दो. राइट. ये वॉलेटिलिटी होती क्या है, ये जो कॉन्सेप्ट्स बोल रहे हैं ये होते क्या, एक बार जाने तो दो. क्योंकि होगा क्या यार, आपको ना एंटरटेनमेंट की इंटरनेट पे आदत पड़ गई है. मुझे भी पता है, ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे पहले पता है मैं ये वीडियो बना रहा हूँ मेरे को व्यूज नहीं है. मुझे पता है क्योंकि ये लोगों का इंटरेस्ट नहीं है. अभी मैं सीधा सीधे देखता हूँ एक्सपायरी स्पेशल स्ट्रैटेजी, 1000% स्ट्रैटेजी, हाँ मतलब ऐसा कुछ किसी की स्ट्रैटेजी, तो लोग कहेंगे अरे बस यही जानना है और कुछ जानना ही नहीं है. तो अभी क्या है ना सर, मतलब मुझे लगता है ऑडियंस शुड इवॉल्व, मतलब उसे मैच्योर होना चाहिए कि वो आप सीखने के लिए रेडी बनो. हमें खुद मजा आएगा, ऐसा क्रिएटर हमें मजा आएगा कि हम ऐसी चीज़ें दें जो लोग सीखना चाहते हैं. और इंटरनेट पर क्या है कि जो आप चीज़ें बातें कर रहे हो ना सर, मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग पेड प्रोग्राम्स के अंदर भी ये चीज़ें कोई डिस्कस नहीं करता, क्योंकि ये चीज़ें एक्सपीरियंस के साथ आती है. ये वहाँ पे लोगों का एक्सपेक्टेशन क्या होता है कि मैंने पे किया या मैं कोई चीज़ देख रहा हूँ, मेरा तुरंत पैसा बन जाए, तुरंत पैसा बन लोग, बट वो तुरंत पैसा बनाने के चक्कर में लोग 90% हम जानते हैं ये लोग नुकसान करते हैं, सब अपना पैसा दे के चले जाते हैं. तो अगर आप अल्टीमेटली अगर आप एक्साइटमेंट के लिए कर रहे हो ये चीज़, तो ऋषिकेश जाइए, वहाँ बंजी जंपिंग होता है, थ्रिल आएगा. हाँ, 2000 रुपये जाएंगे बट थ्रिल तुरंत थ्रिल आएगा. तो आप डिसाइड कर लो कि आपको थ्रिल चाहिए लाइफ में कि पैसा बनाना. नहीं मतलब इस पे ना मैं हल्का सा एक बस एक ऐड ऑन करूंगा, जो हम कल वो DII की बात कर रहे थे ना, वो DII अपने पूरे पोर्टफोलियो का 5% पे रिस्क लेते हैं क्योंकि उन्हें भी हल्का सा वो थ्रिल चाहिए. थ्रिल चाहिए यार, वहां तक तो मेरे को यार मेरे को लगता है कि ऑडियंस को रहने दो. मतलब इनफैक्ट देखो, मेरा अपना भी जो इंटरेस्ट है, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई रातों रात स्टॉक मार्केट से कुछ ऐसा हो जाएगा. तो इन्वेस्टिंग करनी है, इन्वेस्टिंग के बाद जो होगा ठीक है थोड़ा बहुत, बट उसमें क्या है वो थोड़ा सा थ्रिल का फैक्टर छोड़ना चाहिए. वो सीखने के लिए भी बड़ा मजा है. सो आप अपना एंटरटेनमेंट बजट रखो, वो एंटरटेनमेंट बजट 5% बट एंटरटेनमेंट बजट 100% नहीं हो सकता. एक्चुअली यहाँ पे क्या है ना, लोगों को बस एक्सपेक्टेशन ठीक रखो कि उस एंटरटेनमेंट बजट से एंटरटेनमेंट वाला पैसा आता रहेगा, वो ठीक है. और तुम सोचो उस एंटरटेनमेंट बजट को हम बढ़ा देंगे और उससे हमारी लॉटरी निकल जाएगी, वो बिल्कुल फॉल्स एक्सपेक्टेशन. आज तक जितने भी बड़े ट्रेडर्स का आपने बुक पढ़ा होगा, नाम जानते होंगे, किसी ने ऐसा बहुत बड़ा रिटर्न एक बार में बना के ओवरनाइट पैसा कमाया हो, ऐसा नहीं है. कंसिस्टेंटली आउट परफॉर्म किया है वो लोग को आप जानते हो, जिसको भी आप फॉलो कर रहे हो. मैं तो बोल रहा हूँ जिसको भी आप फॉलो कर रहे हो, आप जाके उसका हिस्ट्री देखो. रातों रात पैसा बनाया ऐसा कोई नहीं है, कंसिस्टेंटली आउट परफॉर्म किया वैसे लोग.
तो वही तरीका है। और एक एक चीज बस यहाँ पे बस मैं ऐड ऑन करता हूँ, क्योंकि मैं कई सारे लोगों से बात करता हूँ तो मुझे कोई बोलता है जी मैंने पेनी स्टॉक खरीदा वो 4 गुना 5 गुना हो गया, मैंने ऑप्शंस में ट्रेड किया वो पैसा 2 गुना 3 गुना हो गया। मैं कहता हूँ बहुत बढ़िया, बट पैसा डाला कितना था? अब समझ रहे हो, मैंने एक रियल स्टेट खरीदा उस पर 60% एप्रिसिएशन है, 60%, आई एम मोर देन हैप्पी। रीजन, मैंने एक सिग्निफिकेंट अमाउंट डाला, सिग्निफिकेंट अमाउंट पे 60% बन गया एक डेढ़ साल के अंदर, मैं तो उछल रहा हूँ, आप समझ रहे हो, क्योंकि मेरा सिग्निफिकेंट अमाउंट था। स्टॉक मार्केट पे भाई तुम्हारा डबल हो गया, ट्रिपल हो गया, मेरा तो 15-20-30% जो भी है वही आया, बट ठीक है, मैं हैप्पी हूँ, क्यों, अमाउंट सिग्निफिकेंट है, उस सिग्निफिकेंट अमाउंट में मजा आता है। और अगर आप मुझे बोलोगे ना ये पेनी स्टॉक है यार, तो मैं ऐसा बोल ही नहीं सकता कि 1 करोड़ का खरीद ले, भाई नहीं खरीद ही नहीं पाओगे, पॉसिबिलिटी नहीं है। तो मतलब मेरे ऐसा आदमी भी अगर वही वाली रिस्क अगर थ्रिल भी लेना होगा तो 5 लाख 10 लाख बात खत्म, दी एंड, दी एंड, क्योंकि वो 5 लाख 10 लाख पे अगर वो डबल भी हो जाएगा तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, और वो जीरो हो जाएगा तो बुरा जरूर लगेगा। तो बस मैं इतना से ये यहाँ पे लोगों को समझाना चाहता हूँ कि जब आप डबल ट्रिपल के चक्कर में भागते हो, तो डबल ट्रिपल के चक्कर में जब आप भाग रहे हो तो आप अपना घर बेच के पैसा नहीं लगाओगे, कभी नहीं लगाओगे, कभी नहीं, और लगाना भी नहीं चाहिए। बट अगर आप ऐसा कुछ सोच भी रहे हो ना कि मैं लोन ले लूं, ये कर लूं जिससे डबल ट्रिपल हो जाए, तो सब जाने वाला है। अब हम स्ट्रेटजी पे आ जाते हैं, क्योंकि हम वहां से फिर डेविएट हो जाएंगे। हाँ, आपको तो हम रिलेटिव परफॉर्मेंस ग्राफ के ऊपर थे, उसके पहले जो हमने बात किया स्ट्रेटजी इवोल्यूशन, वो मैं एक एग्जांपल यूज करता हूँ। हाँ, तो उससे आई थिंक ज्यादा बेटर क्लैरिटी आएगा। सो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग एक बार स्ट्रेटजी इवोल्यूशन देखते हैं जो हमने बीच में छोड़ दिया था। तो मैं एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। तो ये हमारा ऑप्शन चेन है जी, मैं थोड़ा सा और इसको बड़ा कर देता हूँ ताकि क्लैरिटी से दिखे। 21,500 के आसपास अभी बाजार चल रहा है और ये हमारा ATM ऑप्शन है। तो लेट से अगर मैं तेजी का स्ट्रैटेजी बनाता हूँ तो मैं क्या करूँगा, मैं हो सकता है 21,600 का एक कॉल ऑप्शन मैंने खरीद लिया। अभी ये कॉल ऑप्शन कितना में चल रहा है, 46 रुपीज़ का ट्रेड हो रहा है, बड़े आउट ऑफ द मनी हो गया अभी क्लियर। हाँ, मतलब थोड़ा आउट ऑफ द मनी, 2 स्ट्राइक आउट ऑफ द मनी आपने जाकर के लिया। तो जो एवोल्यूशन से कैसे अल्टीमेटली कमाना है, अब मेरा रिस्क कितना है मैक्सिमम 46 रुपीज़ का रिस्क है। अब 3 दिन तक ये नहीं चला तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ अगर ये मंथली ऑप्शन होता है, एग्जाम्पल के ले लेते हैं, ठीक है, हम लोग तो खाली एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो अगर ये मंथली ऑप्शन होता और 3 दिन तक ये नहीं चला तो मैं क्या करूंगा, मैं जाकर के सामने मैं बोल रहा हूँ कि एक बुल कॉल स्प्रेड कर दीजिए, 21,700 का एक लॉट भेज दीजिए, बट ये आपको दिखाना पड़ेगा लोगों को। तो क्योंकि लोगों को एक बार स्प्रेड, हम लोग एक बार कैलकुलेटर करके पहले इसको लेकर के आते हैं, क्योंकि ग्राफ आई थिंक थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। चलो, आपका अल्टीमेटली गया क्या, So 46 रुपीस का मेरा रिस्क था, 47 का ले लो, 47 हो गया, ठीक है, 47 का रिस्क था मेरा, और अब वो 21 रुपए का आपने बेच दिया। अब ये 21 रुपए का मैंने बेच दिया तो अब मेरा रिस्क कितना है, 26 रुपए का। अब मेरा 26 रुपए का लॉस से ज्यादा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, ठीक है। अब अगर लेट्स से मैं एक्सपायरी वीक में एंटर करता हूँ 2-3 दिन के बाद या 7 दिन तक भी चलेगा, अगर 7 दिन के अंदर अंदर एक्सपायरी है, तो मैं क्या करने के लिए बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ आप इसको एक बटरफ्लाई में कन्वर्ट कर लो। तो एज्यूम करते हैं कि 21 रुपया नहीं मिलेगा, मुझे 15 रुपया मिलेगा उस टाइम, क्योंकि थोड़ा और डीके हो चुका होगा, और सामने मैं 21,800 का एक कॉल ऑप्शन खरीद लूंगा, तो मैं एक और लॉट बेचूंगा 21,700 और एक खरीद लूंगा 21,800। मार्जिन चाहिए नहीं, बट अगर आप डेबिट स्पेड चल रहा है राइट, बट अगर आप बटरफ्लाई करोगे बहुत ज्यादा मार्जिन नहीं चाहिए, उल्टा मार्जिन कम हो जाएगा, कहना चाह रहे हैं कम मतलब बहुत मार्जिनल इंक्रीज होगा शायद 2-3,000-5,000। आपने जो डेबिट स्पेड बनाया राइट, ये डेबिट स्प्रेड के इसके अलावा आप 2 स्ट्राइक और ऐड कर रहे हो, और स्ट्राइक ऐड करने के बाद भी आपका मार्जिन 5-7% 10% से ज्यादा नहीं बढ़ेगा। नहीं, शायद बटरफ्लाई के लिए तो आपको लगभग हद मार के 50,000 रुपए का मार्जिन लगेगा, वही बोल रहा हूँ मैं, मार्जिन में भी इतना ही मार्जिन लगेगा आपका राइट। तो मार्जिन नहीं बढ़ेगा, मार्जिन आपका अप्रोक्सीमेटली सेम है, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है बट अप्रोक्सीमेटली सेम। तो अभी हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कि और एक लॉट अगर मैं 21,750 बेच देता हूँ, बेच दिया 21,700 के आसपास है ये मैं बेच देता हूँ, 15 रुपए का बेचा, 15 रुपए का बेचा और 21,700 तब तक 5 रुपया, तो 10 रुपया मुझे और आया। तो ये जो 26 रुपया का जो मेरा कॉस्ट था, ठीक है, जो रिस्क था, अब उसमें से मैंने 10 रुपया और कम कर लिया, ठीक है, 16 रुपया। अब आप बताओ मैंने अपना रिवॉर्ड चेंज किया क्या, मैंने बिल्कुल नहीं चेंज किया, अभी भी 21,700 आएगा तो उतना ही पैसा बनेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 700 भी आ गया तो आपका आपको उसमें डेबिट में फायदा हो जाएगा, अभी भी फायदा होगा, बिकॉज मेरा जो सेंटर स्ट्राइक जो मैंने बेचा हुआ है वो 21,700 का है, बाजार अगर 200 पॉइंट ऊपर जाता है मैं अभी भी प्रॉफिट बनाऊंगा,
लेकिन मैंने क्या किया, 47 रुपीस का रिस्ता मेरा जब मैंने ट्रेड इनिशिएट किया था, मैंने वो भी 16 रुपए पे खड़ा। तो मैं अगर हर स्ट्रेटेजी में ये चीज कर पाता हूँ, आप समझो 16 / 47 करते हैं कितना हुआ, मैं 65% रिस्क कम कर रहा हूँ हर ट्रेड में, हर ट्रेड में। तो क्या होगा, भले मैं रोज सिक्का उछाल के अगर डिसाइड करता हूँ ना, हेड मतलब तेजी और तेल मतलब मंदी, अच्छा, और मैं ये करता हूँ, हाँ। तो भी मैं पैसा बनाऊंगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ फोरकास्टिंग, बट कैपिटल 10%, कैपिटल 10%, कैपिटल एलोकेशन आपका एक वो डिसिप्लिन है। दूसरा डिसिप्लिन है स्ट्रेटेजी इवोल्यूशन। बहुत सिंपल था, हमने क्या किया, एक कॉल लिया था 21600 का, राइट, तीन दिन मूवमेंट नहीं आया, 21700 एक लॉट बेचा, फिर एक्सपायरी वीक में एंटर किए, 21700 एक और बेच के 21800 ले लिया, खाली इतना ही किया हमने, कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। लेकिन 47 रुपीस का रिस्क से 16 रुपीस का रिस्क पे मैं आके राइट। अब मार्केट से कितनी गिर जाए यहाँ से, मेरा 16 रुपए से ज्यादा जाएगा जाएगा नहीं। तो ये चीज अगर लोग करें अपने डेली लाइफ में, ज्यादा देर नहीं गया, और खाली इतना यही प्रोसेस आप फॉलो कर लीजिए जो हमने तेजी के लिए बोला, यही चीज आप पुट के साथ मंदी के लिए कर लीजिए। ग्राफिकली दिखाओगे एक बार मैं आ जाता हूं, एक बार ग्राफिकली आप इन्हें बुल कॉल स्प्रेड बना के दिखाइए और वहीं से बटरफ्लाई कर दीजिए। तो हम लोग अभी क्या करते हैं, अदरवाइज मैं वही लोगों को दिखाना चाह रहा था, मैं भी खोल लेता वरना स्ट्रेटजी बिल्डर पर जाके एक बार दिखा देते। तो हम लोग अभी निफ्टी में जाते हैं, अभी हम करंट प्राइसेस से लेके ही बना लेते हैं। हाँ। तो निफ्टी में अगर लेट से मैंने सबसे पहले लॉन्ग कॉल से इनिशिएट किया, हाँ, आपने कॉल खरीदी थी, सो मैंने 21600 का मैंने कॉल का बात किया था, राइट, यही था। तो 21600 का लेट से हमने कॉल ऑप्शन एक लॉट खरीद लिया, राइट, ठीक है, 40, अभी थोड़ा सा प्राइस 2-3 रुपए कम हो गया, 44 के आसपास का भी प्राइस चल रहा है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे एक अगर 2-3 दिन ये स्ट्रैटेजी नहीं चलता है तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि 21700 का सेल हम लोग इसको सेल कर देंगे। अब ये आप इस तरीके से कर रहे हैं, ग्राफ चेंज हो गया है। मैं एक बार इसको हटाता हूँ और हम लोग है ना ये जो ग्राफ है उसको हम लोग थोड़ा सा मॉनिटर करते हैं कि ग्राफ कैसे हमारा रिस्क का जो ग्राफ है वो कैसे चेंज हो रहा है। आप पहले ये देखिए, यहाँ पे जो मेरा रिस्क है इसको मैं एक्सपायरी डे के लिए चेंज कर देता हूँ, ठीक है। तो ये जो हमारा रिस्क है वो हमारा ये लाइन हम लोग को डिनोमिनेट कर रहे हैं, सीधे सीधे बताते हैं अभी इसमें आपके पैसे कितने लगे। तो आपके पैसे लगे 2213 रुपए, 2213 रुपए, और 2213 रुपए ही मैक्सिमम जा सकते हैं, राइट, पर लॉट, पर लॉट। तो मेरा तो अभी एक एक लॉट की ही बात करते हैं, एक लॉट की बात, एक लॉट में आपने सिर्फ 2000 रुपए का ट्रेड मारा था, अभी 2000 रुपए पूरे जा सकते हैं, राइट, ठीक है। तो अभी ये है, अब हम लोग क्या करते हैं एक लेग और ऐड करते हैं, और अब हम बोल रहे हैं कि 21700 का मैं कॉल ऑप्शन भेज दूंगा अगर ये नहीं चल रहा है। अब सीधा आप देखोगे तो 1200 डेबिट है तो वही 1200 का लॉस होगा, राइट, तो सीधा सीधा आपका लॉस प्रोटेक्ट हो गया, 1220 रुपए का अब मेरा यहाँ पे मैक्सिमम लॉस होने वाला है, ठीक है। तो 1200 का मेरा ये आई थिंक चार्ट का स्केल्स के हिसाब से, क्योंकि ऊपर वो स्केल ज्यादा है ना 3818 है, तो उसको मैच करने के लिए इसने 1232 लिखा है, बट एग्जैक्ट नंबर अगर हम देखेंगे तो ये 1220 जो आ रहा है सेम है, ठीक, 1220 का ही नंबर। तो ये हमारा 1220 का अभी लॉस हो सकता है। तो मुझे क्या करना, हर बार जो मैं पैसा बाजार को लॉस में दूंगा उसको मैं कम कर रहा हूँ, वो मेरे हाथ में। अब यहाँ से एक बार बटरफ्लाई बनाते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, और एक लॉट ऐड करते हैं, तो बटरफ्लाई के लिए इसी को मैं एक लॉट और बेचूंगा, हाँ, ठीक है, सो तो इसको बढ़ा दिया मैंने, और अब उसका प्रोटेक्शन मुझे खरीदना पड़ेगा, तो मैं 21800 का एक लॉट कॉल ऑप्शन अब खरीद लूंगा, राइट। तो ये आपकी थोड़ी सी बुलिश बटरफ्लाई हो गई। बुलिस अभी भी अगर यहाँ पे आता है बाजार तो आप देखो यहाँ पे मेरा पैसा बनेगा, तो भी मेरा यहाँ पे दिख रहा है 3000 रुपए बनेगा, 3000 रुपए बनेगा, अभी भी बनेगा। मैंने ओरिजिनली लॉन्ग कॉल तो 2200 का ही था, उसके सामने 3000 अभी भी बुरा नहीं है, राइट। लेकिन अब मेरा रिस्क कितना है, 652 रुपए बस। तो एक चीज आपको जानना बहुत जरूरी है एज अ बिगनर, फोरकास्टिंग जब आप करते हो बाजार चलेगा कि नहीं चलेगा वो आपके हाथ में नहीं है, कितना पैसा आप बाजार को देना चाहते हो गवाने के लिए वो आपके हाथ में हमेशा है, वो पहले डिसाइड कर लो, वो आपके हाथ में। तो लाइफ में बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर बोलते हैं ना, जो चीज आपके कंट्रोल में आपको उसके बारे में सोचना चाहिए। तो सिमिलरली रिस्क मेरे कंट्रोल में, मैं कितना पैसा बाजार को देना चाहता हूँ। तो मैंने पहले 2200 था, फिर 1200 किया, फिर 600 किया, मेरा अपसाइड अभी भी ऊपर। तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ लोगों को कि जब हमने इनिशियली खरीदा तो वो तो एक लॉट आपने खरीदा, बाइंग करी, तो उसमें 2000 रुपए का कुछ मार्जिन लगा। जब आप डेबिट स्प्रेड बना रहे हो, मतलब आप बुल कॉल स्प्रेड बना रहे हो, तो तकरीबन आपका 22000 रुपए का मार्जिन लगेगा, और अगर आप यहाँ पे बटरफ्लाई बना दोगे तो आपका कुछ 43000 के आसपास का मार्जिन लगेगा। अब वो पैसा आपके पास होना जरूरी है,
वरना आप लॉस को प्रोडिक्ट नहीं कर पाओगे, और वो आप तभी कर पाओगे जब आप अपनी कैपेसिटी का एक लिमिटेड अमाउंट से ट्रेड कर रहे होगे, जो हमने पहले आपको बताया पहले। तो अगर आप 1/10 अगर आप डाल रहे हो तो आपको यहाँ पे आप डाल पाओगे, यहाँ पे डाल पाओगे और बच जाओगे, लॉस से पूरा पूरा निकल जाओगे बाहर। और अगर आपके जहां पर अब यहाँ पे जो स्ट्रैटेजी अगर आप इसे डिप्लॉय करते हो, तो एग्जाम्पल के लिए इसी की हम बात कर लेते हैं, तो अगर आपने इस स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय किया होता तो आपका जो रिस्क टू रिवॉर्ड आ रहा है आपका 650 रुपये लगभग जा रहा था, बट आपका अगर प्रॉफिट में आ गया तो यहाँ पे 3000 के आसपास का इसमें जो पीक प्रॉफिट है वो 3000 का प्रॉफिट है। तो यहाँ पर आप मल्टीपल टाइम्स अपने रिस्क का मल्टीपल टाइम प्रॉफिट में आ सकते हो, लगभग 5 गुना, क्योंकि आपका व्यू तब भी बुलिश था जब आपने नेक्ड कॉल खरीदा, तभी तो व्यू बुलिश ही था, और अगर उसके बाद ब्रेकआउट आ गया ऊपर की तरफ, देन यू विल मेक अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ मनी एज पर योर रिस्क। यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। तो आइडिया यही था कि ये जो चीज है थोड़ा सा मुझे नहीं लगता कॉम्प्लिकेटेड है, बिकॉज लोग जनरली लोगों को यहाँ पर अभी तक हम स्ट्रैटेजी पे आए नहीं है, स्ट्रैटेजी तो अभी आपको मिलने वाली है, बट आपने फिर भी एक स्ट्रैटेजी लोगों को दे दिया। जो लोग नेक्ड ट्रेड करते हैं इसे आप लिख लेना, ये आपके बहुत काम आएगा। अगर आप नेक्ड कॉल ऑप्शन ट्रेड करते हो, तो पहले मैं कॉल का बता रहा हूँ फिर मैं पुट पे आता हूँ, अगर आप नेक्ड कॉल ऑप्शन ट्रेड करते हो और आपको लगता है यार टाइम हो गया, अभी यहाँ पे हम पोजिशनल ट्रेडिंग की बात करेंगे, 1-2-3 दिन हो गए और मूव नहीं आया, तो आप उसे कन्वर्ट करो एज पर शुभम सर, उसे डेबिट स्प्रेड बनाओ। डेबिट स्प्रेड क्या होता है कि आप यहाँ पर अपनी पोजीशन को हेज कर रहे हो, तो आपने जैसे यहाँ पे बुल कॉल स्प्रेड बनाया, अगर आपने उसकी वीडियोस देखनी है हमने ऑप्शन स्ट्रैटेजीज के ऊपर एक पूरी सीरीज बनाई हुई है, आई बटन पे लिंक है, आप उसे जाके देख सकते हो कि बुल कॉल स्प्रेड क्या होता है। आपने बुल कॉल स्प्रेड बनाया, उसके लिए मार्जिन थोड़ा ज्यादा लगेगा बट आपका रिस्क प्रोटेक्ट हो जाएगा, और उसके बाद भी एक्सपायरी बिल्कुल पास आ गई है, तो एक्सपायरी से कितने टाइम के पास, लास्ट के 3 दिन। सो मैं थोड़ा सा इसको वीकली में भी ले आता हूँ, अच्छा, क्योंकि वीकली में भी किया जा सकता है। तो लेट्स से 7 दिन बचा था, आपने एक स्ट्रैटेजी लॉन्ग कॉल ले लिया, ठीक, तो अब आपको 2 दिन के बाद उसको बुल कॉल स्प्रेड में कन्वर्ट करना है, और जब 3 दिन बचा रहेगा एक्सपायरी में, मतलब और 1 दिन चला गया, 1-2 दिन चला गया, तब आप जा करके 3 दिन बचा होगा एक्सपायरी में, तब आप उसको बटरफ्लाई में कन्वर्ट कर दोगे लास्ट में, बिल्कुल। हाँ, अगर आप 30 दिन से स्ट्रैटेजी रन करना चाहते हो पूरे मंथली एक्सपायरी के लिए, तो आपने लेट्स से शुरू में कभी भी इनिशिएट किया, जब 3 दिन पार हो जाएगा तब हम बुल कॉल स्प्रेड में कन्वर्ट करेंगे, और जब 13 दिन से कम बचा होगा एक्सपायरी में तब हम कर सकते हैं इसको बटरफ्लाई में, लेकिन जो स्वीटेस्ट स्पॉट है वो है 7 डेज, कि लास्ट का जब 7 दिन बचा होगा तब तो डेफिनेटली करना। और इससे बिल्कुल ठीक उल्टा, कि अगर आपने मंदी के लिए पुट खरीदा हुआ है तो वहां पर आप जाके बियर पुट स्प्रेड बनाओ, और फिर बेयर पुट बटरफ्लाई, बटरफ्लाई जैसे ये थोड़ा बुलिश बटरफ्लाई था, आपकी हल्की सी बेरिश बटरफ्लाई हो जाएगी, तो व्यू फिर भी सेम रहेगा बट आपका लॉस बहुत कम हो जाएगा और प्रॉफिट ज्यादा आएगा, इसे नोट कर लीजिएगा, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। सो मैं आप जो फोरकास्टिंग में जितना टाइम लोग स्पेंड करते हैं, मैं बोल रहा हूँ आप रोज सिक्का उछालिए, या घर में बच्चे को पूछिए रोज कि आज तेजी होने वाला है कि मंदी होने वाला है, और आप जाकर के ट्रेड करिए, लेकिन इस डिसिप्लिन से ट्रेड करिए। ये आप कह रहे हो कि उतनी वियर्ड सिचुएशन पे भी डिसिप्लिन से पैसा बन जाए, डिसिप्लिन का पैसा है, और अगर एनालिसिस सही हुई तो और एम्प्लीफाई हो जाएगा, तो मजा आ जाएगा ना, वो ही जरूरी है कि अगर एनालिसिस सही हुई तो और मजा आएगा। तो अगर आपकी एनालिसिस आपको एक डायरेक्शन के लिए बताती है तो उस टाइम पर तो बहुत अच्छा स्ट्रैटेजी आपने भी दे दिया, और कहने को अभी हम स्ट्रैटेजी तक पहुंचे नहीं, तो यहां से कंटिन्यू करते हैं, तो वीडियो बहुत लंबा जाएगा, वैसे ही लंबा हो चुका है, बट ठीक है, होपफुली इसके एंड में लेकिन पैसे बनने चाहिए, हाँ वो जरूरी है। तो अब हम लोग आते हैं वापस हमारा जो रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस का पूरा थ्योरी के ऊपर, कि हम पहले सेक्टर की बात कर रहे थे, अब हम देखेंगे स्टॉक्स में। बट सर एक मिनट, यहाँ पर एक चीज रह गई, सेक्टर भी कैसे आइडेंटिफाई करेगा, आम आदमी रिटेलर देख रहा है सर। बट जनरली रिटेलर सेक्टर आइडेंटिफाई करने में बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करता है, बट करता नहीं है, बट फिर भी बता दो, आप बिल्ट अप थ्योरी दे दो। बिल्कुल, तो बिल्ट अप थ्योरी से भी हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो कोहली लेते हैं, इसको देख लेते हैं अभी का जो मतलब एक रिटेलर है, बट उसे ना क्या होगा सर, हमने बोला कि हम बेसिक सिखाएंगे तो कहेगा बेसिक तो शुरू में भी नहीं आया, राइट, मतलब मैं एज अ न्यू कमर के हिसाब से सोच रहा हूँ, अभी देखो फिर कंफ्यूज होंगे, कहेंगे ये क्या है। ये सिंपल होना चाहिए, बट देखते हैं। नहीं, एक्चुअली पॉइंट यहाँ पर ये है, मैंने स्टार्टिंग में बोला जब बेसिक सीखोगे फिर इंटरमीडिएट पे जाएंगे, तो ये इंटरमीडिएट ही चल रहा है यहाँ पे अभी, पर ठीक है, इसे समझना जरूरी है। मुझे लगता है ये तो बहुत बेसिक है, अगर आप प्रॉफिटेबल रहना चाहते हो थोड़ा तो टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। लोग क्या सोच रहे हैं कि अगर आप इसे बेसिक बोल रहे हो तो वो लोग जो भी नए हैं उनके लिए एडवांस क्या होगा? एडवांस तो कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब वहां मैं बिल्कुल बोल रहा हूँ सुपर कॉम्प्लिकेटेड,
बट ये बेसिक है सर, वो भी हमने ना जब एडवांस पे भी आना हमने फ्री में सिखाना करेंगे, इम्पोर्टेंट है, मतलब क्या है कि बस इंटरेस्ट बनने दो, थोड़ा ऑडियंस डिमांड करेगी ना, जैसे आप लोग कमेंट करोगे कि एडवांस सीखना है तो मैं शुभम सर को दोबारा से टाइम लूंगा, इन्हें दोबारा से बुलाएंगे और हम एडवांस कॉन्सेप्ट्स को भी आपको समझाने की कोशिश करेंगे, इनफैक्ट मैं भी सीखूंगा, मतलब मैं तो खुद अपने आप को मानता हूँ कि मतलब इतने बड़ा सागर है, महासागर है, हमें अभी कुछ नहीं आता, अगर ये सोचेंगे तो इवन आई एम अ लर्नर, अभी भी मैं भी सीख रहा हूं, नहीं तो मैं तो आप ही से सीख रहा हूं। नहीं आप मुझे एक वो बता रहे थे, अभी बिल्टअप पे चलते हैं, अभी आप वो बता रहे थे जिसने, अभी हम बात कर रहे थे कि RRG ग्राफ जिन्होंने इन्वेंट किया, आपने उनसे डिस्कशन करी कि तुम्हारे कॉन्सेप्ट में फ्लॉ है। नहीं फ्लॉ नहीं है, फ्लॉ नहीं है, इम्प्रूवमेंट हो सकता है। हाँ, वो तो मुझे जब समझाओ। मैं जूलियस जी को मिला हूँ, US में भी मिला हूँ मल्टीपल टाइम, और इंडिया में एक इवेंट हुआ था, CMT वाले जो एसोसिएशन है उन्होंने एक इवेंट रखा था, तो मैंने उनको बताया था कि अगर आप इसमें, वो क्या हो रहा था कि वोलेटिलिटी इंक्लूड नहीं करने के चलते बहुत सारे सिग्नल जो है वो फेक सिग्नल या फ्लॉड सिग्नल्स आते हैं, अगर उसमें वोलेटिलिटी को भी इंक्लूड किया जाए, जो कि उन्होंने भी नेक्स्ट डे जब वो स्पीकर थे और उन्होंने बोला, तो मेरा नाम तो उनको नहीं आता बट उन्होंने बोला कि हाँ मुझे कल किसी ने बताया था, मैं जाके इसको इवैल्यूएट करूँगा, तो ये जो हमने एडजस्टमेंट किया है वोलेटिलिटी का, उससे वो एम्पलीफाई होके और बेटर हो सकता है स्ट्रैटेजी, तो वो मेरा रिकमेंडेशन था उनको। क्या बात है, नहीं ये बड़ी बात है कि, अच्छा ये भी है कि जैसे RRG तो कई सारे लोगों ने सुना भी नहीं होगा, क्योंकि मेरे हिसाब से ब्लूमबर्ग में वो कुछ बहुत ज़्यादा पैसे लेके कुछ लिमिटेड ट्रेडर्स को ही, ऐसे ही कुछ था ना, अपॉर्चुनिटी बहुत कम ट्रेडर्स के पास थी। सो इंडिया में कोई RRG का मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पे हमारा जो थ्योरी वो थोड़ा अलग है, लेकिन RRG का कोई सॉफ्टवेयर था नहीं, ब्लूमबर्ग ही था एक, और लगभग 18-20 लाख रुपये साल का सब्सक्रिप्शन प्राइस है ब्लूमबर्ग का, जो कि एक रिटेल ट्रेडर तो डेफिनेटली अफोर्ड नहीं कर सकता, इसलिए आई थिंक लोगों के रीच के बाहर था इस तरह के थ्योरीज। अब जा करके जब आई थिंक बहुत सारे इंटरनेशनली मैंने देखा है कुछ कुछ और सॉफ्टवेयर में राउटर्स भी महंगा है, वो भी रिटेल के पहुंच के बाद है, लेकिन वहाँ पे अवेलेबल है अब जा करके, तो इसीलिए अवेयरनेस थोड़ा कम था। हमने उसी से इंस्पिरेशन लिया, लेकिन हमने उसी चीज़ को डेरिवेटिव डेटा में कैसे यूज़ करके किया जा सकता है ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से, वो हम लाने की यहाँ पे कोशिश हमने की। अब हम एक बार बिल्डअप समझाते हैं सर लोगों को। सो बिल्कुल, सो सेक्टर का जब हम बात कर रहे हैं, ये अगर आप देखोगे हम सेक्टर से स्टॉक भी जाएंगे, दोनों समझेंगे, सेक्टर भी और स्टॉक भी। सो टॉप डाउन में अगर हम सेक्टर की बात कर रहे हैं, तो पहले बिल्टअप, ये जो इतने सारे कलर्स हैं, इनफैक्ट ये कहीं पे भी एग्जिस्ट नहीं करता है, ये मेरा देखने का तरीका था जब मैं पहले डेरिवेटिव डेटा देखता था। और यहाँ पर हम उल्टा चल रहे हैं, अभी 26 दिसंबर वहाँ पे है, फिर बीच में हॉलीडेज थी, तो यहाँ पे 22 है, 21 है, उल्टा है, यहाँ से मत ऐसे उल्टा देखना, मतलब आप रिसेंटली वहाँ पर हो। सो ये लेटेस्ट डेटा पॉइंट है, और बिल्टअप का जो पूरा कंसेप्ट है वो दिखा रहा है, जो रेगुलर बिल्टअप है, जो हमने बहुत पहले भी एक बार इस पर वीडियो बनाया था कि बिल्टअप क्या होता है, तो आपके साथ जो हमने आई थिंक मार्च में शूट किया था, तो वहाँ पे हमने बताया था कि प्राइस ऊपर बढ़ रहा है, ओपन इंटरेस्ट ऊपर बढ़ रहा है, तो उसको हम लॉन्ग बिल्टअप बोलते हैं। तो ये कलर डिनोमिनेटेड है, तो अगर आप ऊपर देखोगे तो दिखा रहा है कि लॉन्ग मतलब ग्रीन, ब्लू मतलब अनवाइंडिंग, लॉन्ग अनवाइंडिंग, और शॉर्ट कवरिंग। तो अब यहाँ पे बिगनर को इसे क्लियर कर देता हूँ, समझ आएगा। लॉन्ग मतलब यहाँ से आप समझ लो कि पैसा डल रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे पैसा डल रहा है तो वो बुलिश व्यू हो गया। अगर वो ब्लू भी हो रहा है तो इसका मतलब है कि वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, राइट। तो होगा क्या, जब लॉन्ग आएगा तो प्राइस ऊपर जाएगा, और ब्लू पे प्राइस गिरेगा, तो प्राइस गिरने पे आपको ये नहीं सोचना कि यहाँ से मतलब सेलिंग आ गई, सेलिंग नहीं आई है, वो प्रॉफिट बुकिंग आई है, प्रॉफिट बुकिंग, तो उसे लॉन्ग अनवाइंडिंग बोलेंगे। शॉर्ट का मतलब हो गया बेचना डायरेक्ट, तो वहां से प्राइस गिरेगा, बट उसी का उल्टा होगा शॉर्ट कवरिंग में, प्राइस ऊपर जाएगा, आपको लगेगा बाइंग आ गई, बड़ा फिर ट्रैप हो जाओगे, क्योंकि वो होगी जिन्होंने बेचा उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग करी तो प्राइस ऊपर गया। ये बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सो बताने के लिए जो कवरिंग होता है वो मैं इसमें थोड़ा ऐड कर रहा हूँ, कवरिंग जो होता है वो टेम्पररी इन नेचर है, और लॉन्ग और शॉर्ट जब हम बोलते हैं वो परमानेंट इन नेचर है, अनलेस रिवर्सेस। तो इसका मतलब ये है कि जरूरी नहीं है कि हर बार कोई चीज़ गिरे तो मैं जाके बेचूंगा जी, तो कब नहीं बेचना है, तो लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रहा है तब नहीं बेचना है, तब खरीदने का मौका है, तो गिरता है तो खरीदना चाहिए, तो लॉन्ग अनवाइंडिंग खरीदने का मौका है, शॉर्ट कवरिंग बेचने का मौका है, लॉन्ग मतलब ऑलरेडी अच्छा चल रहा है, शॉर्ट मतलब ऑलरेडी गिर रहा है। तो ये एकदम सिंपल सा चीज है जो हमको आना चाहिए। इनफैक्ट लोगों को ये बताया कि भाई जब लॉन्ग अनवाइंडिंग हो तो खरीदो खरीदो, और जब शॉर्ट कवरिंग हो तो बेचो बेचो, नया पोजीशन बनाने का मौका मिलता है बहुत पुल बैक में। तो अब यहाँ पे हम कैसे पता चलेगा कि कौन सा सेक्टर है, तो आपको क्या यहाँ पे खोजना है, ग्रीन और ब्लू का कॉम्बिनेशन कहाँ पे बन रहा है, सीरीज का कॉम्बिनेशन कहाँ पे बन रहा है, ये हमको खोजना है।
तो अभी हम देखते हैं पहला वाला ऑटो, मैं एक एग्जांपल देता हूँ कैसे खोजेंगे। ऑटो में तो पूरा मिक्स डेटा है, ऑटो एंसिलरी मिक्स डेटा है, बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट मिक्स डेटा है, बट आप कैपिटल गुड को देखिए, वहां पे ग्रीन था 13 दिसंबर की मैं बात कर रहा हूँ, ग्रीन था, उसके बाद येलो है, बट फिर ग्रीन है, ब्लू है, ब्लू है, ग्रीन ग्रीन ग्रीन। तो मैक्सिमम डेटा पॉइंट क्या है? ग्रीन और ब्लू। 100% तो नहीं हो सकता है, बट मैक्सिमम डेटा पॉइंट ग्रीन और ब्लू। तो आज अगर मुझे किसी सेक्टर पे बेट लेना है तो मैं लूंगा कैपिटल गुड पे, क्योंकि ये डेरिवेटिव डेटा, प्राइस प्लस डेरिवेटिव डेटा के हिसाब से पॉजिटिव है, तो यहाँ पे ट्रेंड बहुत स्ट्रॉन्ग स्टैब्लिश हो सकता है, इसलिए मैं जा करके कैपिटल गुड का ट्रेड। तो अभी देखिए इन्होंने सेक्टर आइडेंटिफाई किया, जहाँ पे हम बोल रहे थे कि इकोनॉमी देखो, चलो इंडिया की इकोनॉमी इस वक्त सब बेट कर रहे हैं इंडिया के ऊपर, बट कौन से सेक्टर पे बेट करना है, तो इसके लिए एक एक तरीका है कि आप बिल्टअप चेक कर सकते हो कि उसमें लॉन्ग बिल्टअप हो रहा है, उसमें शॉर्ट बिल्टअप हो रहा है, और उसका ट्रेंड क्या है। तो यहाँ पर एक इस तरीके से निकाला गया, यहाँ पे हमें सेक्टर के साथ साथ, मतलब लोग निफ्टी बैंक निफ्टी में करते हो तो वहाँ पे बैंक निफ्टी स्टॉक्स आ रहा है, इसी तरीके से एक बार निफ्टी दिखा सकते हो आप लोगों को। यहाँ पे तो यहाँ पे निफ्टी स्टॉक्स है, अगर मुझे निफ्टी स्टॉक्स में इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ जी, तो निफ्टी स्टॉक्स यहाँ पे मिक्स रहे, बट यहाँ पे मिक्स डेटा है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है निफ्टी कहीं जा नहीं रहा, बट डेरिवेटिव डेटा कुछ बता नहीं रहा। तो हमको ट्रेड तब लेना है जब हमारा डेटा हमको बोलेगा कि ट्रेड लेना, राइट। तो अगर आज मुझे ट्रेड लेना है तो मैं कैपिटल गुड में बेट करूंगा। और अगर हम, आप कितने टाइम पीरियड का देखोगे, कितने दिन का देखोगे? अब जैसे यहाँ पे पीएसयू बैंक्स देखे हम, तो यहाँ पर ब्लू ग्रीन राइट, ये 4 डेज तो मेरे को दिख रहा है, पर कितना टाइम का देखना पड़ेगा? सो जनरली ये डिपेंड करता है आप कितना दिन के लिए ट्रेड लेना चाहते हैं। अगर मैं 3-5 दिन के लिए ट्रेड बना रहा हूँ तो मैं 5-6 डेटा पॉइंट देख करके शॉर्ट टर्म ट्रेड चेज कर सकता हूँ, बट अगर मुझे ट्रेड बनाना है लेट्स से 1 महीने के लिए, तब मैं कम से कम 20 ट्रेडिंग डे, मतलब और 1 महीने का पीछे डेटा देखूंगा कि उसमें एग्जैक्टली क्या है। ब्लू ग्रीन होना चाहिए maximum. उसमें मैक्सिमम। सो मेरा जो थ्योरी है कितना, सो 80% जो डेटा है वो ग्रीन और ब्लू में अगर है तब आप उसमें 16 हाँ तो आप पार्टिसिपेट कर। तो यहाँ पे ये जो हम डेटा देख रहे हैं ये बेसिकली हम कॉन्सेप्ट पे देख रहे हैं, तो इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, अगर आप लोगों को भी इसे यूज करना होगा तो आप कर पाएंगे। सो कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो अब हमने सेक्टर आइडेंटिफिकेशन टॉप डाउन में थोड़ा रिकैप कर देता हूँ। तो हमने पहले बात किया कि ओवरऑल बाजार का ट्रेंड, उसमें मैंने बहुत ज़्यादा इंसाइट इसलिए नहीं दिया क्योंकि इकोनॉमिक डेटा पिक्चर में आएगा, उसके बारे में हम थोड़ा अनकॉम्प्लिकेट करेंगे। वैसे भी हम अपने ही बाजार में ट्रेड कर रहे हैं, बाहर के बाजार में ट्रेड नहीं कर रहे। तो सेक्टर आइडेंटिफिकेशन सेकेंड स्टेप होता है, फिर आता है कि मुझे कौन सा स्टॉक में अल्टीमेटली जाकर ट्रेड करना है, और उसके बाद एक और स्टेप बचेगा कि ऑप्शन में क्या ट्रेड बनाना है। तो हम ट्रेड लेंगे सिग्नल फ्यूचर्स से, फ्यूचर का डेटा देख के वहाँ से सिग्नल निकालेंगे और ट्रेड करेंगे ऑप्शन में। तो ऑप्शन में क्या ट्रेड करेंगे वो तो मैंने पहले ही बताया, बट मैं उस टाइम पे भी बताऊंगा। अब आते हैं कि सिग्नल कैसे जनरेट करें। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि सेक्टर के अंदर आके आप कैपिटल गुड्स पर जा रहे हो, अब आपको सिर्फ कैपिटल गुड्स के स्टॉक्स दिख रहे हैं, वोल्टास दिख रहा है, एलटी दिख रहा है, क्रॉम्पटन दिख रहा है, तो इस तरीके से आपको स्टॉक्स दिख रहे हैं। अब आप इसमें भी ये देखिए कि कौन से मेरे हिसाब से जिसमें आपको ग्रीन और ब्लू की साइकिल ज़्यादा अच्छी दिख रही है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो पूरा इसमें 3 स्टॉक है जो आइडेंटिफाई होगा, अगर आप देखने के लिए जाओगे तो BEL में ग्रीन 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 ब्लू और ग्रीन, राइट। तो बहुत स्ट्रांग एक ट्रेंड एग्जिस्ट करता है BEL में, तो BEL वन ऑफ द चॉइस होगा। सेकंड जो चॉइस होगा अगर आप देखोगे LNT में, तो रिसेंटली ये ग्रीन ब्लू ग्रीन यहाँ पे थोड़ा सा, सो 100% नहीं है, थोड़ा सा कन्विक्शन जितना BEL पे उससे थोड़ा कम होगा। BEL पे बेस्ट है, BEL के बाद BHEL, BHEL को राइट। तो अगर आप BHEL को भी देखोगे तो वहां पे भी वैसे ही ग्रीन ब्लूज का पूरा कॉम्बिनेशन है, खाली एक येलो है बीच में। यहाँ पर अगर आप चेक भी करोगे तो वो BEL 4.4% बड़ा हुआ है और BHEL 2.18% बड़ा हुआ है आज भी। और जबकि ये ट्रेंड काफी समय से एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये आइडियली हमारा आज का कमाने का मौका था, मतलब आप ट्रेंड को आइडेंटिफाई करके आप उसमें बना सकते थे पैसा। अब मैं यहीं पर उस चीज को ला रहा हूँ, अभी हम रिलेटिव परफॉर्मेंस तो देखेंगे ही, बट जो स्ट्रैटेजी है ना वो इस पे भी अप्लाई होगी मेरे साथ। सो अब ये जो स्ट्रैटेजी यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो स्ट्रैटेजी हम लेंगे जैसे, सो मैं काम करता हूँ, मैं BEL का चार्ट खोल लेता हूँ। यस, तो अभी हमने क्या किया, अभी हमने BEL का फ्यूचर का चार्ट ओपन किया, रोलिंग फ्यूचर का मैं चार्ट यहाँ पे ले रहा हूँ। तो जैसा कि हम देख सकते हैं काफी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड यहाँ पे चल रहा था अगर आप एंड में देखोगे, और ये साइकिल ऑलरेडी इंटैक्ट था। तो अब लेट्स से मैंने अगर यहाँ पे कल या आज ट्रेड बनाया तो ये ब्रेकआउट में सबसे अच्छा स्ट्रैटेजी क्या होता है, लॉन्ग कॉल। तो मैंने शुरू किया लॉन्ग कॉल से जो थोड़ी देर पहले हम समझे थे, अगर जस्ट इन केस ये कल नहीं चलता है साइडवेज हो जाता है, और 2 दिन नहीं चलता है साइडवेज हो जाता है, तो मैं क्या करूँगा,
पहली बात तो आज जब मैं इनिशिएट कर रहा हूँ मैं जनवरी का कॉल लूंगा, और जब तीन दिन अगर मूवमेंट नहीं आएगा उसको बुल कॉल स्प्रेड में कन्वर्ट करूंगा, और अगर लेट्स से मुझे 10-15 दिन होल्ड करना पड़ गया और एक्सपायरी के आसपास मैं पहुंच गया तब मैं क्या करूंगा, तब मैं जाकर के उसको बटरफ्लाई में कन्वर्ट करूंगा। तो होगा ये कि जितना रिस्क मैं ले रहा हूँ वो मिनिमाइज होता जाएगा, लेकिन फिर भी बीएल ऊपर जाएगा तो मुझे पैसा आएगा। बट अगर यहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो जाता है मान लेते हैं, तो हमें बाहर निकल जाना चाहिए नहीं निकल जाना चाहिए? स्टॉप लॉस दो चीजें, दो चीजें। एक है कि जनरली बिगिनर पर्सपेक्टिव से मैं बोलूंगा अगर आपको कॉम्प्लिकेट नहीं करना है तो आप स्टॉप लॉस करके निकल जाइए। यस दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। लेकिन अगर मुझे बोला जाएगा मैं कभी नहीं करूंगा। आपका कन्विक्शन है इसलिए? कन्विक्शन के लिए नहीं, मैं फिर भी जब अगर आप रिस्क पर्सपेक्टिव से सोचो, जब पहले मैंने 47 रुपीस पे जो हमने एग्जांपल में ट्रेड लिया था मेरा स्टॉप लॉस कितना होता उसमें 20 रुपए का रिस्क में लेता, सारा स्ट्रेटेजी इवोल्यूशन करने के बाद भी 16 रुपए का रिस्क था, मुझे करने की जरूरत नहीं है वो, मैं लॉटरी टिकट के जैसा छोड़ दूंगा। अभी गिर रहा है स्टॉप लॉस चला गया, बहुत सारे लोग के लाइफ में प्रॉब्लम है ना, मेरा स्टॉप लॉस लेने के बाद ही बढ़ता है। तो मैं क्या करूंगा, 16 का लॉस हो गया छोड़ दो। अगर एक्सपायरी के पहले अचानक से स्पाइक आ गया जस्ट इन केस तो लॉटरी टिकट है, फिर से आपका स्ट्रैटेजी इन द मनी हो सकता है, आपके घर से तो कुछ एक्स्ट्रा लेके नहीं जा रहे, तो मैं जनरली उसको एक्सपायर होने देता हूँ, मैं स्क्वायर ऑफ नहीं करता हूँ। लेकिन अगर आपके लेट्स से मार्जिन का लिमिटेशन है आप ब्लॉक नहीं कर सकते तब आपको, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अभी तो हम एक लॉट का एग्जांपल दे रहे हैं, बट कोई अगर आदमी ज्यादा लॉट में ट्रेड कर रहा है तो उस टाइम पर क्या? तो इसलिए मैंने कहा कि अगर मार्जिन का लिमिटेशन है लेट्स से अगर आपको किसी और ट्रेड के लिए ट्रेड लेना है और आपके पास मार्जिन कम पड़ रहा है तो स्क्वायर ऑफ कर दीजिए कि भाई इससे बेटर अपॉर्चुनिटी कहीं और मिल रही है वहां पे चलते हैं, वहां पे चलते हैं तो स्क्वायर ऑफ कर दीजिए, फिर भी 16 से ज्यादा लॉस होने वाला नहीं। अगर मार्जिन का लिमिटेशन नहीं है तब तक आप रहने दीजिए तो भी लॉस और बढ़ नहीं रहा आपका। तो ये हम लोग ने अभी देखा कि पहले सेक्टर कैसे आइडेंटिफाई किया, फिर हम लोग ने स्टॉक आइडेंटिफाई किया, और वो बीएल के अंदर हम जाकर के फ्यूचर के सिग्नल से वो जो डेटा था बिल्टअप का वो फ्यूचर का डेटा था उससे ऑप्शन में ट्रेड लेंगे। ये पूरा साइकिल है, इतना ही आपको सीखना है बस। हाँ बस बस, बस। इतना तो, ही सीखना है जो आपने बोला ना इतना ही सीखना बस। मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ बिकॉज मैंने एक्चुअली वीडियो के स्टार्टिंग में बोला कि हम एज अ बिगनर के लिए और बेसिक्स हम बता रहे हैं, बट मैं जो बिगनर लेवल पर लोगों को देखता हूँ शायद यहाँ पर पहुँचने तक उन्हें कई साल लग जाते हैं कि वो इसे समझ पाए कि बिल्टअप नाम की भी कोई चीज़ होती है, क्योंकि लोगों को लगता है यार बड़ा सिंपल है ना कि ऊपर जा रहा तो कॉल खरीद लो, नीचे गिर रहा तो पुट खरीद लो एंड दैट इज इट खत्म। क्योंकि मतलब उन्हें लगता है कि अगर हम स्टॉक मार्केट में ऑप्शंस तक पहुंच गए तो मतलब हम तो पता नहीं पहाड़ पे चढ़ चुके हैं, बट उन्हें ये नहीं पता कि वो अभी बेस कैंप पे पहुंचे थे, माउंट एवरेस्ट बाकी है। सो पुष्कर जी जो आपने बोला कि हम एडवांस का बाद में शायद कभी रिकॉर्डिंग करेंगे, जब हम वो देखेंगे ना, जब आप चढ़ रहे होते हो ना पहाड़ में तब आपको नहीं पता चलता है कितना गहरा है, जब चढ़ जाते हो और नीचे देखते हो तब समझ में आता है कितना गहरा है, तो जब हम एडवांस की बात करेंगे तो ये बेसिक ही लगेगा। हाँ मैं तो रिलेट कर पा रहा हूँ और मैं बड़ा उसके लिए एक्साइटेड हूँ, शायद लोग भी होंगे कि कम से कम उस तरह उस डायरेक्शन में पहुंचे तो सही, भाई नॉलेज को तो लेकर जाए उस नॉलेज उस डायरेक्शन में। तो मतलब मैं खुद एक्साइटेड हूँ कि हम एडवांस के ऊपर रिकॉर्डिंग्स करें, चाहे मुझे पता है उसमें व्यूज कम आए कोई फर्क नहीं पड़ता, बट मेरे लिए तो कम से कम लर्निंग तो है ही फॉर श्योर, राइट, और लोगों के लिए तो फिर वो मैसिव लर्निंग होगी क्योंकि इंटरनेट पर कोई नहीं मिलेगा ऐसा बोलते हुए, मतलब मुझे तो नहीं लगता कि बहुत कम बहुत लिमिटेड लोग होंगे। इंटरनेट आप देखते हो मेरे से ज्यादा, बट मैंने भी नहीं देखा। आज की डेट में जो लगता है कि मीडिया पर इंक्लूडिंग बोथ टीवी मीडिया एंड सोशल मीडिया पीपल आर मोर इंटरेस्टेड टुवर्ड्स कि वो कुछ बता दो ना कि क्या चलेगा, वो टिप चाहिए, टिप चाहिए, टिप चाहिए लोगों को, तो स्ट्रेटजी का टाइम वो लगा रहा है। चलो एनीवेज ये वाला काटना है क्या? ओके ठीक है, एडिटर कर रहा है। ओके एनीवेज कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ से अभी हम स्ट्रेटजी पे नहीं आए तो स्ट्रेटजी पर आ जाते हैं, ठीक है। तो अब हम जाते हैं फाइनल जो हमारा रिलेटिव परफॉर्मेंस की हम बात कर रहे थे उस पर, अब हम आते हैं कि हम लोग उसको अल्टीमेटली आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, और वो सिंपल है क्योंकि वहाँ पे आपको रेडीमेड काइंड ऑफ सिग्नल्स मिलेगा। तो मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देता हूँ, रिलेटिव परफॉर्मेंस में हम लोग क्या कंपेयर कर रहे हैं कि जो भी आप बेंचमार्क सिलेक्ट कर रहे हो, लेट्स से निफ्टी सिलेक्ट कर रहे हो, उसको रिलेटिवली हम आउट परफॉर्म करेंगे, ये हमारा कंटिन्यूस गोल है, ठीक है। तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ, मैं ये जो कॉन्सेप्ट के अंदर ट्रेडिंग के अंदर रिलेटिव परफॉर्मेंस ग्राफ जी इसको ओपन कर रहा हूँ, और मेरा एक डिफ़ॉल्ट पोर्टफोलियो जो मैं यूज़ करता हूँ वो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे ओपन है। लेकिन अच्छी बात ये है कि अगर आप यहाँ पे क्रिएट बास्केट करके आपका जो स्टॉक में आप ट्रेड करना चाहते हो वो आप यहाँ ऐड कर सकते हो।
तो अभी हम लोग ने ये रिलेटिव परफॉर्मेंस ग्राफ खोला है, मेरा जो डिफॉल्ट पोर्टफोलियो मैं जो रेगुलरली ट्रैक करना चाहता हूँ वो यहाँ पे स्टॉक से, लेकिन अगर आपका कोई भी पसंदीदा स्टॉक है यहाँ सेटिंग में, आप वो अपने फ्यूचर्स के सारे स्टॉक यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, जिसपे हर आदमी का फेवरेट होता है मुझे ये ट्रेड करना है ये ट्रेड करना है। अभी जैसे हमने कैपिटल गुड्स को आइडेंटिफाई किया एज अ सेक्टर, तो यहाँ पे एक एलएनटी है, तो बाकी भी मैं सारे कैपिटल गुड्स ही डाल देता हूँ। राइट, आप ऐड कर सकते हो जो भी आपको स्टॉक पसंद है, वो आप यहाँ पे अपना खुद का बास्केट बना सकते हो। तो मैं सेक्टर को आइडेंटिफाई करके यहाँ पे स्टॉक्स डाल देता हूँ सीधे सीधे। राइट, ठीक है। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, अब ये पूरी चीज का बेसिस क्या है, किससे कंपेयर कर रहे हैं रिलेटिव परफॉर्मेंस। तो सेटिंग में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे निफ्टी दिख रहा है, तो हम निफ्टी से कंपेयर कर रहे हैं कि मेरा रिलेटिव परफॉर्मेंस। तो मैं थ्योरी को समराइज करता हूँ, निफ्टी कहाँ जा रहा है उससे मुझे ज्यादा मतलब नहीं है, मुझे ये जानना है कि निफ्टी को क्या आउट परफॉर्म कर रहा है। तो हो सकता है बाजार कहीं नहीं जा रहा है लेकिन एक स्टॉक चल रहा है। हाँ, एक तो चल रहा होगा, मुझे वो आइडेंटिफाई करना है ताकि मैं उस पर जाके ट्रेड कर पाऊँ, या अगर मुझे शॉर्ट करना है तो कोई एक स्टॉक गिर रहा है वो मुझे आइडेंटिफाई करना है कौन सा गिरने वाला है, वहां जाके जो निफ्टी के कंपैरिजन में ज्यादा गिर रहा है, ज्यादा गिर रहा है उस पर मैं जाकर के ट्रेड लूंगा। ये पूरा थ्योरी है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे जो आप देखेंगे, ये पहले मैं ये चार्ट एक्सप्लेन करता हूँ बिकॉज थोड़ा सा अलग तरीका है प्लॉट करने का। अब जैसे ये M&M का जो हम एग्जांपल लेते हैं, तो मैं इसको थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ, ये M&M का एग्जांपल है, यहाँ पे करंट डेटा है जहाँ पे नाम लिखा हुआ है। तो ये जो टेल दिख रहा है, ये टेल दिखा रहा है कि पिछले 5 दिन में कहाँ से मूवमेंट होते हुए आया है। तो पिछले 5 दिन में वहाँ था और यहाँ से मूव होते 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 और ये ऊपर आ, जब ये रेड से ब्लू में जा रहा है वहाँ पे ट्रेड इनिशिएट होता है। हाँ, सो हमारा जो ट्रेडिंग का अल्टीमेट सिग्नल जो जनरेट होगा इस मॉडल से, वो कहाँ पे जनरेट हो रहा है, जब भी ये रेड से ब्लू में जाएगा तो सिग्नल जनरेट होगा, और ये जो बीच में आपको एक बॉक्स दिख रहा है वो न्यूट्रल जोन है, उसमें ट्रेड नहीं करना, वहां पे हम कर सकते हैं लेकिन कन्विक्शन बहुत कम है, तो इसलिए आइडियली न्यूट्रल जोन को अवॉइड करेंगे। और उसके बाहर कहीं पे भी अगर रेड से ब्लू में जाएगा तो हमको ट्रेड लेना है। जो मैंने एग्जांपल बताया था, यहाँ पे आरपीएम बढ़ रहा है गाड़ी का, तो अगर आरपीएम बढ़ रहा है मतलब अब यहाँ पे कार चलने वाला है, तो ये स्टॉक चलने वाला है। और सिमिलरली जब वो ग्रीन जोन से येलो में आएगा, शुरू ही यहाँ पे जो रेड वाला है टाटा कंज्यूमर, वो तो शुरू ही इसी तरह ब्लू से हुआ। नहीं, ये पिछले 5 दिन का डेटा है, तो 5 दिन पहले यहाँ था, तब मौका था खरीदने का, अब वो वहां चला गया। तो हम ये एग्जांपल देखते हैं अभी, हाँ इसका एग्जांपल देख लेते हैं। और सो एंट्री का कब करना है, रेड से जब ब्लू में जाएगा तो एंटर करना है बाई साइड पे, हमें खरीदना है, और जब वो ग्रीन से येलो में जाएगा तब हमें बेचना है, और अगर किसी को शॉर्ट ट्रेड लेना है तो शॉर्ट ट्रेड भी ले सकते हैं, यहाँ पे शॉर्ट मार सकते, वहां पे शॉर्ट कर सकते। तो अगर मैं इसे और शॉर्ट में रखूं, यहाँ पर मान लीजिए कोई स्प्रेड बनाता है, अपना रिस्क भी मिनिमाइज करता है और स्प्रेड बनाता है कि एक हफ्ते के लिए पड़े रहने दे। राइट, और मतलब मैं तो क्रेडिट स्प्रेड का थोड़ा सा ज्यादा फैन हूँ कंपैरेटिवली डेबिट स्प्रेड का, मतलब मुझे थीटा चाहिए अपने एडवांटेज में, क्योंकि अगर मैं 5 तारीख से लेके 26 तारीख तक जा रहा हूँ तो ऑप्शन को मेल्ट करेगा वो, तो अगर मैं वहाँ पे ट्रेड ले रहा हूँ तो मैं बुल पे पुट स्प्रेड बनाऊंगा। राइट, तो बुल पुट स्प्रेड पे वहां तक आते आते मेरे को प्राइस का भी बेनिफिट, जो आपका मैक्स प्रॉफिट है वो हिट हो चुका होगा, वो मैक्स प्रॉफिट हिट हो चुका होगा पॉइंट नंबर वन। अगर वो हिट हो चुका होगा तो मैं दूसरा ट्रेड ले लूंगा, एक और बना सकते हैं। हाँ, मतलब एक्चुअली क्या है कि पॉइंट ये होता है कि मान लो 100 रुपए का ऑप्शन का प्रीमियम है और वो 60% मेल्ट हो गया तो उसे हटा दो, वो आपका दे चुका है 60 रुपए आपको, वो 40 रुपए के लिए आप पूरा रुके रहोगे, एक्सपायर तो हो ही जाएगा वो, बट वहाँ पे क्या कि फिर 100 रुपए की चीज बेच दो। तो मैं उसी को अगर मैं करूंगा जो थोड़ी देर पहले हमने स्ट्रैटेजी इवोल्यूशन की बात की, तो मैं उसमें क्या करूंगा, मैं उसी स्ट्रैटेजी को ऊपर ले जाता जाऊंगा, डेबिट स्प्रेड को ऊपर ले जाता है। अच्छा, आप डेबिट को ऊपर ले जाओगे, मैं क्रेडिट को ऊपर ले जाऊंगा, क्रेडिट को ऊपर लेके। तो तरीका अलग अलग हो सकता है, बट अल्टीमेटली एक रैली आ रहा है और रैली में कमाना कैसे है के लिए बहुत सारी स्ट्रैटेजी हो सकती है, तो दोनों मुझे लगता है फीजिबल। बट कमाल की बात पता है क्या है यहाँ पर, वैसे तो जो हम सर ने स्ट्रैटेजी डिस्कस करी थी वो ये नहीं थी, तो मैं उसे दोबारा से बोलता हूँ। ये तो अभी हमने स्प्रेड की बात करी कि मेरे दिमाग में वो स्प्रेड ज्यादा चलता है, बट जो आपने बताया था पहले आप वो बताइए लोगों को कि जो स्टार्टिंग में आप आउट ऑफ द मनी में ट्रेड करते हैं वो कैसे करते हैं। सो यहाँ पे बिकॉज मुझे पता है कि ये जो ट्रेड है, मैं लगभग 3 से 15 दिन, 3 बहुत रेयर है, सो जनरली 7 से 15 दिन में ज़्यादातर ट्रेड आएंगे, तो मुझे 7 से 15 दिन होल्ड करना है। कभी भी हम लॉन्ग कॉल 7 दिन 15 दिन के लिए तो लेते नहीं, क्योंकि थीटा डीके होता है सबको पता है। तो यहाँ पे मेरा पहला ट्रेड जब ये रेड से ब्लू में जाएगा जो भी स्टॉक, उसमें मेरा ट्रेड होगा कि मैं बुल कॉल स्प्रेड इनिशिएट करूंगा स्टार्टिंग। और बुल कॉल स्प्रेड में क्या करूंगा, जैसे एक स्ट्राइक ऊपर का मैं कॉल खरीदूंगा
और दो या तीन स्ट्राइक ऊपर का मैं कॉल बेच दूंगा, ये मेरा जनरल ट्रेड होगा स्टार्ट करने के लिए। अब अगर वो ट्रेड चलता है तो मैं क्या करूंगा, इस बोल कॉल स्प्रेड को ऊपर ले जाता जाऊंगा, मतलब स्ट्राइक, एक स्ट्राइक पूरा ऊपर शिफ्ट कर दिया, दो स्ट्राइक पूरा ऊपर शिफ्ट कर दिया, इस तरह से स्ट्रैटेजी शिफ्ट करता जाऊंगा ताकि ज्यादा से ज्यादा मुझे उसमें प्रॉफिट आता जाए। इसको एक तरह से आप बोल सकते हो मैं पार्शियल प्रॉफिट बुक कर रहा हूं। हाँ, समझ गया। और आप उसको मॉडिफाई करते जाओ। मैं समझ गया, बट मैं लोगों को बता रहा हूँ इसके लिए आपको बुल कॉल स्प्रेड का ग्राफ स्टडी करना पड़ेगा। आप स्ट्रैटेजी बिल्डर पे जाइए, आप खुद से देखिए, तभी आपको समझ आएगा। आप नोट्स बना लीजिए अदरवाइज, क्योंकि जो आप सीख रहे हो ना इसे आपको करना है, तभी आपको समझ आएगा। तो ये स्ट्रैटेजी को मैं शिफ्ट करता जाऊंगा। अगर कोई पॉइंट आया जहां पे स्टॉक चलना बंद हो गया और एक्सपायरी बहुत पास में आ रहा है, तब मैं उसको बटरफ्लाई, जो मैंने बताया था, उसको बटरफ्लाई में कन्वर्ट करके छोड़ दूंगा। एक्सपायरी तक जो भी होगा पता चलेगा, अगर तब तक सिग्नल ओपन है तो फिर एक बार फिर से बुल कॉल स्प्रेड से शुरू करेंगे। तो ये कंटिन्यूस ट्रेड है। और जो आप आउट ऑफ द मनी का बता रहे थे वो हम करेंगे या नहीं करेंगे? आउट ऑफ द मनी बुल कॉल स्प्रेड। अच्छा, आउट ऑफ द मनी बुल कॉल स्प्रेड, ओ नाइस, ये हमें ट्रेड लेना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बटरफ्लाई में जा करके इसको कन्वर्ट करेंगे। अब ये हो गया हमारा डेली टाइम फ्रेम, जहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कि मैं ट्रेड को 7 दिन 15 दिन तक होल्ड करना चाहता हूँ। यही चीज को हम इंट्राडे में भी कर सकते हैं। अगर मेरा, मुझे इंट्राडे में ट्रेड लेना, आज ही लेना, आज ही बेचना है, तो मैं क्या करूंगा, तो यहाँ पे सेटिंग में जाके, अब मैं यहाँ पे अगर देखूं मैंने डेटा क्या यूज किया, डेली डेटा यूज किया। अब इसको मैं चेंज करके अगर इंट्राडे करता हूँ, लेट्स से 5 मिनट का इंट्राडे, मेरा फेवरेट जो है वो 15 मिनट है, ठीक है। बट आपको अगर टाइम फ्रेम और छोटा चाहिए आप उसको कर सकते हो। अब ये 15 मिनट का डेटा फ्रेम पे अगर मैं करता हूँ, तो अब यही जो ट्रेड है वो और शॉर्ट टर्म बन गया। अब जो सिग्नल्स आएंगे वो फास्ट एंट्री फास्ट एग्जिट आएंगे, राइट। हो सकता है दिन में एक बार चर्निंग हो जाए। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे टाइम स्केल जो है नीचे वो चेंज हो गया, 11:29 26 दिसंबर से लेकर के अभी तक का, मतलब आज का अप्रॉक्सीमेटली ओपनिंग के थोड़ा देर बाद से अभी तक का दिख रहा है। और अगर हम इसको थोड़ा सा रिप्ले करें तो कंटिन्यूस यहाँ पे, सो यहाँ पे देखो आप एलएनटी का ट्रेड है। आप पीछे थोड़ा सा और जाइए, थोड़ा पीछे, इसमें टाइमिंग स्टार्टिंग से आ जाएगी। तो अभी अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ जो डेटा दिख रहा है, इसको अगर मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करूँ तो आप देखो एलएनटी अभी कहाँ पर है, यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। अब ये रेड से ब्लू में जाने ही वाला है। तो जब ये रेड से ब्लू में जाता है, ये पॉइंट पे रेड से ब्लू में ऑलमोस्ट आ गया, तब मैं जाकर के, बिकॉज मेरा टाइम फ्रेम अब इंट्राडे है, तो मैं अब इसमें जाकर के लॉन्ग कॉल खरीदूंगा। आप सीधा उसका सीधा कॉल खरीदो, क्योंकि आज का आज ही इसको एरफ करना है, तो लॉन्ग कॉल खरीदूंगा। और अब क्या हुआ, थोड़ी देर के बाद आप देखो यहाँ पे परफॉर्मेंस आना शुरू हो रहे और एलएनटी परफॉर्म करना शुरू कर चुका है। जब वो ग्रीन में जा रहा है इसका मतलब है कि ऑलरेडी वहां पे अच्छा खासा। क्या हम इसमें एक बार चार्ट दिखा सकते हैं? मैं एक्चुअली डेली पे इसको आपको एक और स्ट्रैटेजी दिखाता हूँ पूरा डिटेल में, ताकि हम 2-3 एग्जांपल पूरा फुल साइकिल स्टडी कर पाए, ठीक है। तो मैं वापस आता हूँ और इसको डेली पे कन्वर्ट करता हूँ। अब जो मेरा बास्केट था, क्योंकि जो हमने स्ट्रैटेजी इवोल्यूशन, लॉन्ग कॉल बहुत सिंपल है, इंट्राडे को आप बहुत इजीली ट्रेड कर सकते हो, मैं इसलिए स्ट्रैटेजी इवोल्यूशन दिखाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग पीछे आ जाते हैं थोड़ा सा। अब यहाँ हम देखते हैं 5 दिसंबर को मेरा पहला ट्रेड क्या था, रिलायंस और टाटा कंज्यूमर दोनों ही, राइट। सो रिलायंस का एक एग्जाम्पल रिलायंस से चालू करते हैं, रिलायंस का ट्रेड यहाँ पे आया, ठीक है। तो 5 दिसंबर का अब हम लोग क्या करते हैं, तो अभी हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि रिलायंस का सिग्नल आया है, जहाँ पे रेड से ब्लू में एंटर कर रहा है रिलायंस यहाँ पे और टाटा कंज्यूमर। तो पहले हम रिलायंस का जो सिग्नल आया है उसके बारे में बात करते हैं। ये डेट है 5 दिसंबर। 5 दिसंबर तो यहाँ पे स्क्रॉल करके हम लोग देख सकते हैं कि पीछे क्या सिग्नल था, कब आया था, अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो 5 दिसंबर का अब हम चार्ट देखते हैं। हमें ट्रेड क्या बैठाना है, बुल कॉल स्प्रेड, एक लेना एक बेचना, ठीक है, ओटीएम बुल कॉल स्प्रेड। तो हम ये एग्जैक्ट ट्रेड देखते हैं कैसे फॉलो हुआ। 5 दिसंबर का जो रिलायंस का चार्ट है वो मैं ओपन कर लेता हूँ। तो ये हमारा रिलायंस का चार्ट है। तो 5 दिसंबर का जो कैंडल है वो हम लोग यहाँ पे हाईलाइट कर लेते हैं। तो ये वाला जो कैंडल दिख रहा है, जो हाईलाइटेड है, वो 5 दिसंबर का कैंडल है, जहाँ पे सिग्नल कंफर्म हो गया। अब इस दिन प्राइस क्या चल रहा है, अगर आप देखोगे रफली 2430 के आसपास का प्राइस है रफली। तो अब यहाँ पे जो ओटीएम की बात कर रहे थे, तो हम लोग, अगर मुझे यहाँ स्ट्रैटेजी बैठाना है तो मैं क्या करूंगा, 2460 का कॉल खरीदूंगा। जो हम स्टार्टिंग में बात कर रहे थे कि आप आउट ऑफ द मनी खरीदोगे, आउट ऑफ द मनी खरीदेंगे, तो हम इन द मनी नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, 2460 का एक कॉल खरीदेंगे, जो नेक्स्ट दो स्ट्राइक के बाद वाला जो कॉल ऑप्शन है, क्योंकि 2440 इमीडिएट है, उसके बाद वाला 2460 और 2560 का मैंने वहां पे कॉल भेज दिया।
तो हमारा एक बुल कॉल स्प्रेड इनिशिएट होगा। तो मैं क्या करता हूँ, वो एग्जैक्ट कॉल उस दिन देखते हैं क्या ट्रेड होता था, ठीक है। तो सेम दिसंबर का ही एक्सपायरी, क्योंकि उस टाइम 5 दिसंबर को तो हम दिसंबर की एक्सपायरी में ही ट्रेड ले रहे होते। अब यहाँ पे 2460 का मैं कॉल प्लॉट करता हूँ कि उस दिन क्या ट्रेड कर रहा था। तो इसको मैं थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ। 5 दिसंबर को ये डे था और यहाँ पे जो क्लोज है वो है 33.15 रुपये। सो रफली 33 रुपये के आसपास ये कॉल 2460 का कॉल ट्रेड कर रहा था। अब हम देख लेते हैं कि उस दिन हमारा 2560 का जो कॉल है वो कहाँ पे ट्रेड कर रहा था। हमारे पे डिफरेंस आ गया। हाँ, तो 2560 का जो कॉल है उसका प्राइस हम लोग ओपन कर लेते हैं। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको जूम कर दूँ। सो ये हमारा 5 दिसंबर का 2560 का जो कॉल है वो क्लोज हुआ 9.10 रुपये पे। तो 33 रुपये और 9 रुपये, तो हमारा जो नेट आउटफ्लो है वो 33 - 9 24 रुपये का हमारा नेट आउटफ्लो था। अब ये स्प्रेड हम देखते हैं कि आज कहाँ पे चल रहा है। तो आज क्लोजिंग 25.75 रुपये का प्राइस चल रहा है। ये 2560 का कॉल है और सेम 2460 का जो कॉल था उसका भी हम प्राइस निकाल लेते हैं। तो जो डिफरेंस अभी का जो स्प्रेड का जो डिफरेंस है 119 रुपये। एक और कैलकुलेटर खोल लेता हूँ मैं। 119 रुपये माइनस 25 रुपये, तो 94 रुपये का प्राइस चल रहा है जो स्प्रेड हमने 24 रुपये पे इनिशिएट किया था। 24 का 94 हो गया। तो अगर आप देखोगे तो जो रिवॉर्ड टू रिस्क है मतलब इस ट्रेड में वो 1:4 है। अब यहाँ पे मैं बस लोगों को एक चीज बताना चाहूंगा, अभी हमने ना 100 पॉइंट का डिफरेंस लिया। तो ये जो आप कभी भी डेबिट स्प्रेड बनाते हो, आपने बुल कॉल बनाया तो जो आपने डिफरेंस लिया वो मैक्सिमम पॉइंट ही आप कैपिटलाइज कर सकते हो। ये आपको पता होना चाहिए। ये नेक्ड कॉल ऑप्शन की तरह नहीं है कि भागता चला गया तो फिर पूरा पैसा मिलेगा। ये 100 पॉइंट जैसे 94 आ गया तो मतलब आप मान लो मोटा मोटा ये 94 पॉइंट्स ही आपको मैक्सिमम मिलने थे। 100 रुपया मैक्स था, 94 आ गया, इससे ज़्यादा ज़्यादा बढ़ने का स्कोप नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ बेसिकली आपका ये स्प्रेड बनाने के लिए लगभग 31-32 हज़ार रुपये लगेगा और 32 हज़ार रुपये पे आप लगभग 50% बना लोगे, 16 हज़ार रुपये आप कमा सकते हो। आपने 50% एक ट्रेड में बना लिया, ये आपको समझना है। एग्जैक्टली, अगर मार्केट 100 पॉइंट बढ़ गई तो राइट। तो यहाँ पे जो सिग्नल आया, हमने एक सिग्नल लिया और वो सिग्नल पे हमने देखा कि स्प्रेड कैसे काम करेगा जी। और यहाँ पे एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम 24 रुपये से ज़्यादा का रिस्क कभी नहीं था। नहीं, वो तो ऑब्वियस क्योंकि हमने स्प्रेड बनाया है और 94 पहुँच गया। अब एक और क्वेश्चन हो सकता है कि अगर मुझे इससे ज़्यादा कमाना है तो मैं क्या करूँगा। तो जो हमने पहले बात की थी, इसमें 100 से ज़्यादा तो बन ही नहीं सकता। तब आप ये स्ट्रैटेजी को शिफ्ट करके ऊपर ले जाओ, शिफ्ट करके और 100 पॉइंट दूर कर और 100 पॉइंट दूर, यही सेम चीज़ आप फिर से इनिशिएट कर दो तो आप फिर से रैली राइड कर सकते हो। तो शायद आप वहाँ पे और ज़्यादा पैसा बना पाओगे। तो इस तरह से ये जो अभी हम समराइज कर देते हैं हमने क्या सीखा है। तो पहले हमने देखा कि यहाँ पे तो बहुत सिंपल था, हमने स्टॉक्स अपना बास्केट बना लिया, अपना हमने जो भी हमको लगता है ट्रेड करना चाहिए वो तो हमने बास्केट मुझे बना मुझे लगता है लोगों को पहले बिल्डअप चेक करना चाहिए, उससे वो सेक्टर निकाल लें और सेक्टर के स्टॉक्स ले लें। हाँ, निफ्टी के आउट परफॉर्म तो और अच्छा है, तो आप और फिल्टर आउट कर सकते हैं। वो सारे स्टॉक को हम लोग ने ऐड कर दिया हमारे बास्केट में, जो हमने एग्जैक्टली यहाँ पे जाकर के किया। हमारा बास्केट में हमने ऐड कर दिया, ये सेटिंग्स में जाकर के आप जो आपके मन वो स्टॉक को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी जो हमने ट्रेड लिया था वो थोड़ा सा पोजिशनल था, बट हम इन सारे स्टॉक्स के फ्यूचर्स देख रहे हैं, लोगों को बताना जरूरी है। और हम ट्रेड ऑप्शन में ले रहे हैं राइट, सिग्नल हमें फ्यूचर से चाहिए, ट्रेड हम ऑप्शन में जाकर के करेंगे जो हमने सीखा उसके हिसाब से। तो अभी हमने डेली टाइम फ्रेम किया है, तो डेली टाइम फ्रेम में हम लोग को थोड़ा सा पोजिशनल यहाँ पे ट्रेड आ रहा है। अगर यही चीज मैं इंट्राडे करना चाहता हूँ, कोई रॉकेट साइंस नहीं, खाली इसमें इंट्राडे सेलेक्ट करना है और आप इंट्राडे में ये चीज को रेप्लिकेट कर पाएंगे। तो अगर एक और एग्जांपल लेना है तो हम ले लेते हैं टाटा कंज्यूमर का। हाँ, ले लो। स्ट्रैटेजी नहीं बनाते बट एटलीस्ट देखते हैं सिग्नल का स्ट्रेंथ क्या था। राइट, स्ट्रैटेजी तो सेम ही परफॉर्म करेगा। तो 5 दिसंबर को एक और ट्रेड आया था टाटा कंज्यूमर का। तो अब इसका हम लोग चार्ट खोल के देखते हैं कि इसके चार्ट में जो परफॉर्मेंस है वो कैसा था। टाटा कंज्यूमर का जो फ्यूचर है वो 5 तारीख को कहाँ पे जाके ट्रेड कर रहा था, मैं थोड़ा सा और इसको बड़ा कर देता हूँ। सो 5 तारीख को ये वाला जो कैंडल हमें दिख रहा है, इसके पहले वाला, हाँ। ये जो कैंडल हमें दिख रहा है ये 5 दिसंबर, इसकी क्लोजिंग है 950 के, इसका क्लोजिंग है 953 और आप आज देखो 1010 पे ट्रेड कर रहे हैं। तो ये जो रिलेटिव परफॉर्मेंस, बहुत सिंपल सा चीज़ हमने क्या किया, अपना बास्केट चूज किया। जब वो रेड से ब्लू में जा रहा है तो हम एंटर कर रहे हैं और जब वो ग्रीन से वापस येलो में आएगा तो हम एग्जिट कर लेंगे। और ट्रेड हमें ये बनाना है स्प्रेड्स, इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं तो लॉन्ग कॉल, इतना सिंपल सा ट्रेड है।
और ये इतना हाईली इफेक्टिव जो हमने लाइव एग्जांपल देखा, कुछ कुछ ऐसे ट्रेड आएंगे जिसमें नहीं भी बनेगा, जरूरी नहीं है कि सारे ट्रेड में बनेगा, आपका वाली बात स्टॉप लॉस हो जाएगा, राइट, स्टॉप लॉस लेते नहीं स्टॉप लॉस नहीं लेंगे तो 24 रुपए, सो मैं एग्जैक्टली जो हमने एग्जांपल लिया था 24 रुपए का, तो मैं क्या करूंगा उसको बटरफ्लाई में कन्वर्ट कर दूंगा तो 24 नहीं जाएगा, अब हो सकता है 12 रुपए जाएगा, तो 12 का स्टॉप लॉस, वो मैं स्टॉप लॉस लेकर के एक्सपायरी तक बैठा हूँ, अगर एक्सपायर हो गया तो ठीक है 12 रुपए चला जाएगा, बट ओवरऑल जो मेरा रिवॉर्ड टू रिस्क है वो अभी भी 1:3, 1:4 है, जो कि बहुत अच्छा है, और अगर ऑन टॉप ऑफ इट अगर आपका सिग्नल अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो बस काम है। तो ये हमारा यहाँ पे स्ट्रैटेजी जो है वो कंप्लीट होता है। अब मैं एक चीज़ के बारे में आपसे जिक्र करना चाहूँगा, कॉन्सेप्ट जो है वो हर साल एक एनुअल इवेंट हम लोग करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं ऑप्शन सिंपोजियम, और ऑप्शन सिंपोजियम इंडिया का फर्स्ट ऑप्शन इवेंट था जो हमने 2018 में किया था, और अभी तक फिजिकल प्रेजेंस में मतलब 2 दिन का वर्कशॉप मोड में लार्जेस्ट इवेंट ऑप्शन सिंपोजियम है, मैं इवेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, इवेंट हो सकते हो बड़े होते होंगे लेकिन वर्कशॉप मोड में जहाँ पे आके स्पीकर्स मल्टीपल स्ट्रैटेजी के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये फिजिकली बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर होने वाला है 27 और 28 की बिल्डिंग के अंदर, बीएससी बिल्डिंग के अंदर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 27-28 जनवरी को होने वाला है। और यहाँ पे हमारा गोल क्या है, हमारा गोल है कि इस तरह के जो मैंने आज एक स्ट्रैटेजी सिखाया, मेरे से भी ज़्यादा जो लोग जानते हैं, वैसे बहुत सारे लोग बाजार में एग्जिस्ट करते हैं, तो आइडिया ये है कि जो आज का बाजार है उसमें एक्सपर्ट्स जो बड़ा बुक मैनेज करते हैं, प्रॉप बुक मैनेज करते हैं, वो लोग कौन सा स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहे हैं, रिटेल को कभी नहीं मिल पाता, उनको कब मिलेगा जब वो स्ट्रैटेजी आउटडेट हो जाएगा। तो ये इवेंट का पर्पस है कि ये सारे 20 लोग जो आएंगे, 20 स्पीकर्स आएंगे जो बाजार के दिग्गज एक्सपर्ट है, उनमें से एक आप भी हैं। नहीं नहीं, मैं तो सर स्पीकर तो ज़रूर हूँ, बट मैं जब लास्ट टाइम आया था तो कुछ लोगों से जो आपने मिलवाया, मैं एक्चुअली उस दिन, मैं आपको सच बताता हूँ, मुझे पहली बार, क्योंकि 1 साल हो गया उस बात को, अब 1 साल पहले जब मैं उससे उस टाइम पे उस इवेंट में आया तो उन लोगों की स्ट्रैटेजीज देख के ना मैं सर पकड़ के बैठ गया, मतलब मैं ऑनेस्टली मैं उस दिन सर पकड़ के बैठ गया कि यार मुझे मुझे लगता था कि मुझे काफ़ी कुछ आता है, और मैं उस दिन पहले दिन क्योंकि कई सारे स्पीकर्स का तो समझ आ रहा था, एक दो स्पीकर्स मतलब दे वर लाइक यार ये कहाँ पे सीखने को मिलता है, तो वो तो ऐसा था कि मतलब टॉप नॉच, तो मतलब ठीक है, देर आर सो मेनी पीपल, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा इस बार मैं दोबारा आ रहा हूँ उस इवेंट में, तो लास्ट ईयर के जो स्पीकर्स थे वो बहुत अच्छे थे। सो इस बार भी हम कोशिश कर रहे हैं कि जो स्पीकर लाइनअप है उसमें तो कोई कॉम्प्रोमाइज हमने कभी नहीं किया। तो आइडिया यही है कि मिक्स ऑफ स्ट्रैटेजी, कुछ बिगनर्स के लिए स्ट्रैटेजी, कुछ जो लोग ऑप्शन बेचते हैं खरीदते हैं, तो मिक्स ऑफ स्ट्रैटेजी, ऐसे 20 स्ट्रैटेजी जो एक्सपर्ट्स खुद यूज़ कर रहे हैं, वो एक प्लेटफॉर्म हम देना चाहते हैं जहाँ पे रिटेल भी आकर के उस चीज़ को सीख पाए। और आइडिया 20 स्ट्रैटेजी सीखने का नहीं है, टू बी ऑनेस्ट, आप 20 का 20 सीख के डिप्लॉय करेंगे ऐसा नहीं होने वाला। तो अगर मुझे 2 या 3 स्ट्रैटेजी जो मेरे काम का है या मेरा रिस्क प्रोफाइल को सूट करता है अगर मुझे मिल जाता है, तो ये हमारा पर्पस है ऑप्शन सिंपोजियम से। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि रिटेल को जो एकदम बिगनर है, जिनको कॉल पुट नहीं आता, उनको नहीं आना चाहिए। नहीं, मैं तो खुद ही मना कर देता हूँ कि अगर आप बिगनर हैं तो आप इसी चैनल पर फ्री में सीखो, राइट, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है वो इंटरमीडिएट टू एडवांस है, राइट, लास्ट, क्योंकि जब मैं आया था तो मुझे भी फील हुआ कि वो मतलब दिस इज वन लेवल, मतलब अगर आप बिगनर हो, अगर आपको वही बैंक निफ्टी निफ्टी ट्रेड करना है और उसी तरीके से आपको कॉर्पोरेट में ट्रेड करना है, वही जो आप करते आ रहे हो, तो आप मत आओ। सो अगर एकदम कॉल पुट अभी शुरू किया है तो नहीं आना चाहिए, लेकिन अगर आपको आता है, जैसे हमने बुल कॉल स्प्रेड की बात की, बटरफ्लाई, ये सब आपको आता है, मैच्योर भी, तो आपको ये इवेंट अटेंड करना चाहिए, तभी आपके लिए बेनिफिशियल, अदरवाइज बेनिफिशियल नहीं होगा। तो अगर आपको ऑप्शंस आता है और आपको स्ट्रैटेजी चाहिए कि मैं कौन सा स्ट्रैटेजी में अपना पैसा डालूं, और वो उन स्ट्रैटेजी में जहाँ पे लोग कोई कोई, मतलब मैं एग्जैक्टली नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन कोई 200 करोड़ का बुक मैनेज करता है, कोई 1000 करोड़ का बुक मैनेज करता है, कोई खुद का 100-200 करोड़ रुपया लगाता है, ऐसे लोग हैं, और अगर उनसे मुझे डायरेक्टली सीखने का मौका मिलता है उससे अच्छा कौन बता पाएगा। तो ये आइडिया है ऑप्शन सिंपोजियम का, तो मैं आपको तो मिलूंगा ही वहाँ पे, और जिनको सीखने की इच्छा है उनको बिल्कुल अटेंड करना चाहिए। तो अगर आप चाहें तो आप रजिस्टर कर सकते हैं, ऑप्शन सिंपोजियम का लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में डाल देंगे, सो यू कैन रजिस्टर योरसेल्फ एंड आप कॉन्सेप्ट की टीम से इंक्वायरी कर सकते हैं डायरेक्टली। सो थैंक यू सो वेरी मच शुभम सर, और आई होप ये वीडियो कई सारे लोगों को, मुझे पर्सनली ऐसा लगा कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था बेसिक्स, बट ये शायद थोड़ा सा बेसिक से एक थोड़ा सा ऊपर था, बट मुझे तो सीधा मन है कि मैं लोगों को एडवांस लेवल कॉन्सेप्ट तक लेके जाऊँ। अगर आप लोग इस वीडियो को प्यार देंगे तो ये क्लियर है कि आने वाले वीडियोस में
आपको इससे भी ऊपर के लेवल की इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, क्योंकि ऑनेस्टली स्पीकिंग शुभम जी को काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें आती है जो आपने और मैंने भी नहीं सुनी हुई, तो जो हमने सुना भी नहीं है और सोचो उसके बारे में सीखने को मिलेगा तो कैसा रहेगा। सो उसे हम सीखेंगे आने वाले एपिसोड्स में, बट आपको लिखना है नीचे कमेंट में कि वी वांट एडवांस लेवल वीडियोस, तो वो हम फिर सर को दिखाएंगे कमेंट्स। वी विल ट्राई टू क्रिएट मोर वीडियोस फॉर यू। टिल द टाइम अपना प्यार देने के लिए आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल द टाइम यू गो सेल्फ मेड एंड जय।